आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म जो आप सुनते हैं, फंक्शंस। पहले डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। तो फंक्शंस आर अ वे टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी इन कोड। फंक्शंस के ज़रिए हम मॉड्यूलरिटी और रीयूजेबिलिटी अचीव करते हैं। अब मॉड्यूलरिटी क्या होती है और रीयूजेबिलिटी क्या होती है। मॉड्यूलरिटी की जब हम बात करते हैं, मॉड्यूलरिटी मींस अ मॉड्यूल। हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और जब हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत होती है हम उस मॉड्यूल में से उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। यहीं से डेफिनेशन निकलती है रीयूजेबिलिटी की, कि अगर मुझे कोई काम बहुत सारी दफ़ा परफॉर्म करना है तो उस बहुत सारी दफ़ा काम के परफॉर्म करने को मैं बार बार काम रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि हम उसे किसी फंक्शन के अंदर उस प्रॉपर टास्क को डिफाइन कर देंगे, और जब हमें उस टास्क को परफॉर्म कराना होगा हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जब फंक्शन कॉल होगा वो टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, जितनी बार चाहें उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यानी अगर एक बार मैंने फंक्शन के अंदर वो टास्क लिख दिया है, अब फंक्शन को मैं एक बार कॉल करूं, 10 बार कॉल करूं, 100 टाइम्स कॉल करूं, जितनी दफ़ा भी कॉल करना चाहूं मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूं और फंक्शन जो है अपना टास्क परफॉर्म करता रहेगा। तो इस तरह से वो जो कोड हमने एक बार लिखा है वो बार बार रीयूज़ हो रहा होता है, इसको हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कहते हैं। अब हम सीखते हैं कि फंक्शन बनाने का, लिखने का और डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है पाइथन के अंदर। बहुत सिंपल है फंक्शन डिफाइन करना पाइथन के अंदर। फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं def। इसकी फुल फॉर्म डेफिनेशन होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है def। def लिखने के बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने ऐड का फंक्शन बनाया। इस ऐड के फंक्शन के आगे हमने लगाए 2 ब्रैकेट्स, इनको स्मॉल ब्रैकेट्स या ब्रेसिस कहते हैं। तो def फंक्शन का नाम एंड ब्रेसिस, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। उसके आगे जब हम कॉलन्स लगाते हैं, 2 कॉलन, और जब आप इंटर प्रेस करते हैं तो इंडेंटेड ब्लॉक बन जाता है। ये इंडेंटेड ब्लॉक फंक्शन की बॉडी कहलाता है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी लाइंस ऑफ कोड इस फंक्शन की बॉडी के अंदर होंगी, जब भी फंक्शन कॉल होगा ये तमाम लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो सिंपल फंक्शन बनाने का def, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स, ये आपके पास फंक्शन जो डिफाइन हो गया। अब ये जो फंक्शन हम देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होते ही इसकी बॉडी में आएगा। बॉडी में हम देख रहे हैं हमने 2 नंबर्स इनपुट लिए, उनको हमने प्लस करा के प्रिंट करा दिया। अब जब भी ये ऐड का फंक्शन कॉल होगा ये इसकी एग्जीक्यूशन हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये इसी तरह बिहेव कर रहा होगा, इसी तरह परफॉर्म कर रहा होगा। जब भी कोई फंक्शन कॉल करेगा ये फौरन उससे 2 इनपुट मांगेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, 2 इनपुट लिए जाएंगे और उनको सम अप करके प्रिंट करा दिया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। और तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड है def, कि def ये डिफ़ाइन करता है कि ये फंक्शन है। जो भी आगे कोड लिख रहे हैं फंक्शन के नाम के ऊपर, कि फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो हमने वेरिएबल्स के नाम के लिए पढ़ी थी वो सारी एप्लीकेबल होती हैं इसके अंदर भी। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन बना लेते हैं ऐड और 2 ब्रेसिस। ये 2 ब्रेसिस इस बात की अलामत होते हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद और ब्रेसिस लगाने के बाद हमने लगाया कॉलन्स। ये कॉलन्स लगा के जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इंडेंटेड है, जब तक इंडेंटेड रहेगी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट रहेगी। हम क्या करते हैं, 2 कॉलन लगाने के बाद हमने जैसे इंटर किया ये इंडेंटेड है, फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब इसकी
इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो फंक्शन का ब्लॉक की फंक्शन की बॉडी कहलाएगा, और जब भी फंक्शन कॉल होगा ये एग्जीक्यूट, ये पूरा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि फंक्शन का नाम ऐड रखा है हमने, तो ये फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये फंक्शन दो नंबर्स को लेकर ऐड करके हमें प्रिंट करा के आंसर दे देगा। ये हमने जैसे ही इंडेंट पीछे किया, नाउ वी आर आउट ऑफ फंक्शन बॉडी, इंडेंट पीछे हो गया है, अब यहाँ आ गए तो अब हम फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल गए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। जब हमने फंक्शन लिखने के बाद एग्जीक्यूट किया है तो हमने देखा कि कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ। फंक्शन जो है वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता, ये साइलेंट मूड में रहता है, जब तक कोई इसे पुकारे नहीं ये रेस्पॉन्ड नहीं करता। हमने फंक्शन की डेफिनेशन तो देखी, फंक्शन डिफाइन किया गया, उसकी बॉडी बनाई गई, उसके अंदर कोड लिखा गया और वो कोड एग्जीक्यूट होगा और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा, ये फंक्शन कब जागेगा, तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये फंक्शन जो है वो जागेगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ आपके प्रोग्राम के अंदर अगर बहुत फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके ऊपर भी कोड लिखे हुए हैं, नीचे भी कोड लिखे हुए हैं, वो कोड आपके यूजुअली इंटरप्रेट होते हुए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हुए आ जाएंगे, लेकिन फंक्शन की बॉडी में इंटरप्रेटर दाखिल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आप इस तरह फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने फंक्शन बनाया था ऐड का, या हमने सिंपली क्या किया, ऐड लिखा, दो ब्रैकेट्स लगाए और आपने सेल एग्जीक्यूट किया, तो ये अपने कोड के अंदर, पूरे कोड के अंदर जहाँ ऐड का फंक्शन होगा ये वहाँ चला जाएगा और उसके अंदर जो भी लाइंस होंगी एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो दो चीज़ें होती है हमारे पास, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। पहले हमने फंक्शन डेफिनेशन देखी और ये अब क्या है, फंक्शन कॉल है। आपका सारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, इसके नीचे की लाइंस भी एग्जीक्यूट होंगी, फंक्शन की ऊपर की लाइंस भी एग्जीक्यूट होंगी, सब कुछ होंगी, लेकिन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट अलाइन बिफोर फंक्शन, और यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्रिंट अलाइन आफ्टर फंक्शन। अब ये दो लाइन में, अब इस सेल को अगर एग्जीक्यूट किया जाएगा तो देखें दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हुई, पहले वाली लाइन भी और बाद वाली लाइन भी, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट तब ही होता है जब उसको कॉल किया जाता है, खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें दो बातें यहाँ पता चली कि एक जगह फंक्शन डिफाइन किया जाएगा और दूसरी जगह फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो ये पेयर होगा फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। तो अभी हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन का नाम लिखें और उसके ब्रैकेट्स। जब मैंने ये फंक्शन को कॉल की आवाज़ दी कि ऐड कॉल हो जाए, तो अब हम देखते हैं कि क्या एग्जीक्यूट होता है, 17 उसने रेस्पॉन्ड कर दिया। हुआ क्या कि जब मैंने ऐड कॉल किया तो ये पूरी कोडिंग में देखेगा अपने ऊपर की लाइंस में कि ये ऐड का फंक्शन कहाँ है, ये उसके पास चला जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद इसको क्या मिला फंक्शन की बॉडी में कि दो नंबर्स जो लिखे हुए हैं इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। ऐड करने के बाद चूँकि प्रिंट में लिखा हुआ है तो उसने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद काम करा मुकम्मल होने के बाद ये वापस यहाँ आ गया। वापस यहाँ आने के बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये इसने प्रिंट करने के बाद रुक गया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन और ये थी फंक्शन की कॉल। फंक्शंस पासिंग इंफॉर्मेशन एज एन आर्गुमेंट्स, क्या फंक्शन जो है वो हमेशा एक सा ही काम करता रहेगा? क्या हम फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ले जाओ और इसके ऊपर टास्क परफॉर्म करो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पासिंग इंफॉर्मेशन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स।
जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो आप वेरिएबल्स देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ ऐड के अंदर हमने देखा नंबर वन एंड नंबर टू, ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में जो वेरिएबल लिख रहे हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। और जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, नीचे देखें, जब हमने ऐड कॉल किया 3 और 5 उसको वैल्यू सप्लाई की, ये फंक्शन को हम वैल्यूज पास कर रहे हैं जिन्हें हम टेक्निकली आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो अब हमारा फंक्शन 2 पैरामीटर रखता है, एक पैरामीटर का नाम नंबर 1 है, एक पैरामीटर का नाम नंबर 2 है। जब हमने फंक्शन कॉल किया हमने इसको 2 पैरामीटर प्रोवाइड किए, एक पैरामीटर की वैल्यू 3 है और एक पैरामीटर की वैल्यू 5 है। जब फंक्शन कॉल होगा तो 3 अपने पैरामीटर यानी नंबर 1 में असाइन हो जाएगा, चला जाएगा, और 5 पैरामीटर नंबर 2, नंबर 2 जिसका आइडेंटिफायर है उसके अंदर जाके असाइन हो जाएगा। ये जो असाइनमेंट हो रही है ये पोजिशनल है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो पहले पैरामीटर में जाके असाइन हो रहा है, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे पैरामीटर में जाके असाइन हो रहा है। ये अपनी अपनी पोजिशन के लिहाज से असाइन हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला वाला जो है वो दूसरे में असाइन हो जाए, दूसरा वाला जो है पहले में असाइन हो जाए, नहीं। इसीलिए इनका नाम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है कि ये आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी पोजिशन के हिसाब से फंक्शन में जाके स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, हम ये जो ब्रेसेस हैं फंक्शन के ये अभी एम्प्टी हैं। जब ये फंक्शन के ब्रेसेस जो हैं वो एम्प्टी रहेंगे, ठीक है, एम्प्टी रहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस फंक्शन है। अभी हम बात करते हैं कि ये पैरामीटर क्या चीज़ होती है। ये पैरामीटर लेस फंक्शन है, ठीक है, और इसका काम सिर्फ क्या है कि जो कुछ इसकी बॉडी में है उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया जाए। ये फंक्शन डिफाइन किया हमने, इसको कॉल करते हैं तो ये पैरामीटर लेस फंक्शन है। अच्छा, पैरामीटर क्या चीज़ होती है? क्या फंक्शन हमेशा एक जैसा ही काम करता रहेगा? हम क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, फंक्शन से कुछ काम एडिशनल नहीं करवा सकते? जिस तरह हमने देखा पहले फंक्शन के अंदर कि ये जब भी कॉल करूँगा ये 12 और 5 को ऐड करेगा और उसका आंसर रिटर्न करेगा और उसका आंसर प्रिंट करेगा, 12 5 को ऐड करके प्रिंट करा देगा। ये इसका हमेशा काम रहेगा, कयामत तक भी यही काम करता रहेगा क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें हार्ड कोड हुई हैं। अब मैं ऐड के फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आता हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐड सिर्फ 12 और 5 को ऐड ना करो भाई, मैं कह रहा हूँ ऐड का फंक्शन है, इसके अंदर जब कोई इसे कॉल करेगा तो इसे बोलेगा कि क्या वैल्यूज़ ऐड करनी है। जब बोलेगा तो वो वैल्यूज़ भेजेगा भी, वो भेजेगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ए और बी में। तो ए और बी जब इसमें शामिल हो गए तो अब इसको मैं क्या कहता हूँ, पैरा मीटराइज्ड फंक्शन। ये जो फंक्शन बनने जा रहा है ये पैरामीटर लेस नहीं है बल्कि ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। अब क्या होगा कि यूज़र जब इन दो वैल्यूज़ को भेजेगा तो ये अब क्या होंगी, ये दो वैल्यूज़ ही प्रिंट होंगी, उनका ही सम प्रिंट होगा। तो अब फंक्शन अपनी ही वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड, हमने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने क्या कहा कि भाई 10 और 20, ये जो 10 और 20 हैं ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फंक्शन डेफिनेशन के वक्त जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं और फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ देते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं।
तो आर्गुमेंट जाकर अपने पैरामीटर से मिल जाएगा, यानी कि ये टेन पहला आर्गुमेंट है, ये टेन पहले पैरामीटर यानी ए के अंदर असाइन हो जाएगा। 20 दूसरा पैरामीटर है, तो ये आर्गुमेंट है, तो ये 20 दूसरे पैरामीटर यानी बी के साथ जाकर असाइन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इट सेज 30। मैं इस फंक्शन को जितनी बार चाहे कॉल कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी वैल्यूज़ दे के कॉल की जा सकती है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास डायनेमिक हो गई कि मैं फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यूज़ दूँ। पहले वो उसकी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ थी, जब जब कॉल करेंगे वो वही वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। अब फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो हमने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं कि हम जो है वो उन वैल्यूज़ को फंक्शन को दे रहे हैं और वो उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाता है। पैरामीटरलेस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं था, इसलिए कॉल करते वक्त आर्गुमेंट भी हमने कोई पास नहीं किया, क्योंकि ये एक पैरामीटरलेस फंक्शन था, इसलिए आर्गुमेंट भी कोई पास नहीं किया। अब हमारे पास ये एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो हमें इसके आर्गुमेंट भी पास करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ होगा तो फंक्शन का सिग्नेचर मैंने आपको पहले भी बताया, सिग्नेचर चेक करते हैं हम कैसे, कोई फंक्शन क्या लेता है। हम अपने इस फंक्शन का सिग्नेचर देखते हैं शिफ्ट और टैब दबा के। तो शिफ्ट टैब के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इस फंक्शन को कितनी वैल्यूज़ भेजनी है। दो वैल्यूज़ भेजनी है, एक वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में चली जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं पासिंग इन्फॉर्मेशन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स देखा कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अपनी अपनी पोजिशन के हिसाब से पैरामीटर के अंदर असाइन हो जाते हैं, जबकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आप अगर पोजिशन डिस्टर्ब भी हो जाए, आप हर आर्ग्यूमेंट के साथ एक कीवर्ड लगा देते हैं। ये कीवर्ड क्या होता है, ये कीवर्ड वही पैरामीटर का वेरिएबल होता है जो फंक्शन में डिफाइन। जिस तरह से नंबर वन और नंबर टू हमारे पैरामीटर हम देख रहे हैं ऐड के अंदर, यही नंबर वन नंबर टू हमने फंक्शन को कॉल करते वक्त भी यूज़ किया है, और इनके आगे आप देखें वैल्यू लगाई। तो ये नंबर वन इज इक्वल टू 3, नंबर टू इज इक्वल टू 5। अब ये आगे पीछे भी हो जाएं तो ये अपने कीवर्ड को जाकर मैच करेंगे पैरामीटर के अंदर। तो इसलिए अब तरतीब फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त अगर आगे पीछे भी हो जाए तो वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जाकर अपने वेरिएबल को अपने पैरामीटर को ढूंढेगा और उसके अंदर ही असाइन होगा। अब ये पोजीशन के हिसाब से असाइन नहीं होगा। अच्छा जी, अच्छा ये जो हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे हैं कि ये पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से असाइन हो रहे हैं, यानी पहले नंबर पर ए मौजूद है, 10 मौजूद है, और यहाँ पर पैरामीटर में ए मौजूद है, तो 10 लाजमन जाएगा ए के अंदर और 20 लाजमी जाएगा बी के अंदर। ये 10 बी में नहीं जा सकता, 20 ए में नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपनी अपनी पोजीशन के लिहाज से असाइन होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से असाइन होते हैं, इसीलिए इनको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसीलिए इनको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से जो है वो पैरामीटर के साथ मिल जाएगा, राइट। तो ये जितना भी हमने काम किया है ये सारे के सारे आपके पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ सेल ऐड करा के कि ये हमारे पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। तो अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। हम एक दोबारा फंक्शन एक बनाते हैं, डेफिनेशन फुल नेम के अंदर जी आपने पूछा है जी के फर्स्ट नेम बताएं, मिडिल नेम बताएं, लास्ट नेम बताएं, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, ये हमने पूछा है। और ये पूछने के बाद
हमने फाइनली क्या किया, अपने फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया के फर्स्ट प्लस मिडिल प्लस लास्ट, कि ये इसको प्रिंट कर देगा, फुल नेम बना के प्रिंट कर देगा। अच्छा जी, अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने किया फुल नेम। अब फुल नेम कॉल किया तो ये फुल नेम हमसे क्या मांग रहा है, सिग्नेचर चेक किया, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम। अब मैंने टाइप करना शुरू किया भी फर्स्ट नेम और लास्ट, ये तीनों चीज़ें हमने प्रोवाइड की, हमने देखा अली हुसैन खान जिसने प्रिंट कर दिया। अब अली जो है वो फर्स्ट नेम के पैरामीटर के साथ किया, हुसैन जो है वो सेकंड मिडिल के साथ गया, और ख़ान जो है वो लास्ट पैरामीटर के साथ गया। हर एक अपनी पोजीशन के हिसाब से चला गया। पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने यहाँ पर चेंज की पोजीशन तो वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है फर्स्ट नेम मिडिल में चला जाएगा, लास्ट नेम किसी और में चला जाएगा, तरतीब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पोजिशनल आर्गुमेंट के केस में हमें सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। सीक्वेंस मैटर्स इन पोजिशनल आर्गुमेंट्स, क्योंकि ये पोजीशन है। दूसरा, हमारे पास अगर हम पोजीशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका जो है वो फंक्शन का, वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है अभी हम करके देखते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में जब मैं फुल नेम का फंक्शन कॉल करूँगा, फुल नेम का फंक्शन जब कॉल करूँगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में, तो मैं तरतीब का ख्याल नहीं रखूँगा, बल्कि मैं कहूँगा मिडिल के नाम के आगे आप क्या लगा दें, राइट, लास्ट में जी ये लगा दिया, और फर्स्ट में जी ये लगा दिया। अब मैंने तरतीब का ख्याल नहीं रखा है, लेकिन मैंने साथ में क्या किया है, एक कीवर्ड जो है वो अटैच कर दिया है आर्गुमेंट के साथ एक कीवर्ड अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से अब तरतीब की ज़रूरत नहीं है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो अपने अपने पैरामीटर जो कीवर्ड के तौर पे आर्गुमेंट में अटैच है, मिडिल जो है वो मिडिल में लेके चला जाएगा, लास्ट में लेके चला जाएगा, फर्स्ट में लेके चला जाएगा। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें काफ़ी सारी दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उस के जितने भी कीवर्ड होंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सारे आप नहीं देना चाह रहे, सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ना दें, लेकिन जो भी आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो हमेशा लास्ट में होना चाहिए सारे आर्ग्यूमेंट्स के। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फुल नेम, ये फंक्शन कॉल किया मैंने कहा जी अली के बाद मैंने कॉल किया जी के खान, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि लास्ट में चला जाए खान, बल्कि यहाँ पर मिडिल में जाना चाहिए हुसैन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, क्योंकि कीवर्ड जो है वो लास्ट में होना चाहिए। अगर मैं इसको उठा के स्टार्ट में कर दूँ, ठीक है, तो अब ये क्या कहता है हमें कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट
जो है वो कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है, ये नहीं हो सकता। तो कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई कीवर्ड आर्गुमेंट की। जब फंक्शन हम कॉल करते हैं आर्गुमेंट लेवल पर, हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने फंक्शन डेफिनेशन के वक्त पैरामीटर की बात की थी और फंक्शन कॉलिंग के वक्त आर्गुमेंट्स की बात की थी। हमने आर्गुमेंट्स में रहते हुए दो बातें सीखी, एक पोजिशनल आर्गुमेंट और एक कीवर्ड आर्गुमेंट। अब हमारे सामने है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर। जब मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आपने दो पैरामीटर रखे हुए हैं, नंबर वन एंड नंबर टू, और यूज़र फंक्शन को कॉल करता है और आर्गुमेंट पास नहीं करता। अगर यूज़र आर्गुमेंट पास ना करे, फंक्शन फिर भी एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन तो फिर वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी? तो वैल्यूज़ हम पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नंबर वन में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रखी है, नंबर टू में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रखी है। अब अगर यूज़र फंक्शन कॉल करेगा और दोनों वैल्यूज़ अगर वो प्रोवाइड करेगा तो ठीक है, उसकी प्रोवाइड की हुई वैल्यूज़ यूज़ होंगी। लेकिन अगर वो दोनों वैल्यूज़ प्रोवाइड ना करे, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पैरामीटर में रखी हुई हैं, ये यूटिलाइज हो जाएंगी। और अगर फंक्शन कॉल करते वक्त यूज़र एक वैल्यू पास करेगा, जिस तरह नंबर टू में इज इक्वल टू फाइव पास किया, लेकिन नंबर वन पास नहीं किया, तो नंबर वन पास नहीं किया इसलिए अब नंबर वन जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी और एरर नहीं आएगा कि आर्गुमेंट जो है वो कम है। तो इस तरह इस डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर कहते हैं। फंक्शन डिफ़ाइन करते वक्त भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं। हमारे पास जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था वो फुल नेम का था, इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। अपने पास जब हमने इसको रीडिफाइन यहाँ किया फुल नेम का फंक्शन, अच्छा अब क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का मिडिल नेम ना हो? अगर उसे अपना फुल नेम प्रिंट करना है और मिडिल नेम उसका है ही नहीं, तो अब क्या करेगा वो बेचारा? या हो सकता है किसी का मिडिल भी ना हो, लास्ट भी ना हो, जस्ट सिंगल फर्स्ट नेम ही हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जब कोई इसके बग़ैर कॉल करेगा फुल नेम, हमने कहा जी फर्स्ट नेम जो है ना, मैंने कहा जी मेरा फर्स्ट नेम ये है और लास्ट नेम ये है। अच्छा, अब पोजिशनल होने की वजह से फर्स्ट नेम में ना ये चला जाएगा, मिडिल नेम में ये चला जाएगा, लास्ट उसको मिलेगा ही नहीं, जबकि ये ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, हम ये चाह ही नहीं रहे, ये सीक्वेंस ही नहीं हमारे नाम की। इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक आर्गुमेंट मिसिंग है लास्ट, कि लास्ट की आपने वैल्यू नहीं दिए, लास्ट की आपने वैल्यू नहीं दिए। तो अगर ऐसा केस हो कि जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी या यूज़र ना दे, तो हम ये चाहते हैं कि अगर यूज़र वैल्यू ना दे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाए। तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू डाल के हमने कहा जिसका यूज़र नेम मिडिल नहीं है वहाँ स्पेस आ जाए। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं और लास्ट नेम में डालने की कोशिश करूँगा, अभी भी मसला हल नहीं होगा। थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अभी भी ये मसला है, अभी भी लास्ट मिसिंग आ रहा है उसको, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मिडिल को जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है ये भी कहाँ होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। जितने भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स रखेंगे वो सारे के सारे पैरामीटर्स रखेंगे, वो सारे के सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट टाइप के जितने भी होंगे सब पैरामीटर्स की लिस्ट में लास्ट में होंगे। तो अब जब हम इसको करेंगे
तो ये फर्स्ट नेम फर्स्ट में चला जाएगा, हुसैन लास्ट में चला जाएगा, मिडिल हमने प्रोवाइड नहीं किया है तो मिडिल में असाइन हो जाएगा स्पेस, और यहाँ पर मिडिल की जगह आ जाएगा स्पेस। चेक करते हैं, आप देखें तो हमने डिप मिडिल प्रोवाइड नहीं किया, उसने अपना वाला मिडिल जो है वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया है। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं कि अगर कोई यूज़र वैल्यू ना दे तो वो वैल्यू यूज़ अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अगर प्रोवाइड कर देगा तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं होगी सिस्टम की। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डाल दी, तो अब की बारी में क्या होने वाला है राइट, कि जब वैल्यू प्रोवाइड की मिडिल तो वो वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। तो ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स डीलिंग विद अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, पहले तो ये डिस्कस करते हैं अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है। अननोन आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर है और उसके बाद हमने रखा हुआ एक ऑप्शनल नंबर्स कि अगर यूज़र देना चाहे तो कोई और नंबर सप्लाई कर दे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। अच्छा, कोई और नंबर सप्लाई भी कर दे वो भी एक भी हो सकता है, वो और नंबर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्योंकि मालूम नहीं है यूज़र कितने नंबर वहाँ सप्लाई करेगा, तो हम इसको टॉपिक को ये कहते हैं कि आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कि यूज़र पता नहीं कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भेजेगा। तो दो जो आर्गुमेंट्स हैं वो तो पोजिशनल होकर जो है वो अपने पैरामीटर से मिल जाएंगे, लेकिन दो के अलावा तीन चार पाँच जितनी वैल्यूज़ यूज़र सप्लाई करेगा फंक्शन को कॉल करते वक्त, ये सारे के सारे इस ऑप्शनल नंबर में चला जाएगा। ये कैसे डील करेगा, इसकी पहचान क्या, इसकी पहचान आप देख रहे हैं ये स्टैरिक है। स्टैरिक जब भी लगा हुआ होगा इसका मतलब ये है ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा और बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आकर स्टोर हो सकती हैं। ये अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अच्छा, स्टोर कर सकता है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हमें स्टोर करनी होती हैं तो वो ख़ुद ब खुद किस फॉर्म में होती हैं, टपल फॉर्म में होती है। जब मैं इस ऑप्शनल नंबर्स को गेट करूंगा तो रिज़ल्ट में मेरे पास टपल के अंदर वो सारे नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। एक फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं या कितने आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं। अच्छा, आम तौर पे इसकी कोई लिमिट तो नहीं होती, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई, ये तो हमने देखा कि अगर जितने पैरामीटर्स हैं उससे एक भी आर्गुमेंट जो है वो कम या ज़्यादा होता है तो फंक्शन जो है वो एरर दे देता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फंक्शन बना लेते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर का। अब ये क्या करता है, ये ऑर्डर करते वक्त हमसे साइज़ पूछेगा, फ्लेवर पूछेगा और टॉपिंग्स। ये आपको तीन चीज़ें जो है वो ऑर्डर करते हुए बतानी पड़ेंगी। फिर फाइनली क्या होगा कि आपका ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज जनरेट करना है कि योर ऑर्डर फॉर पिज़्ज़ा विद पिज़्ज़ा ऑफ साइज, मैं आपका साइज आ जाएगा पिज़्ज़ा का, एंड फ्लेवर मैं आपके पास फ्लेवर आ जाएगा, एंड टॉपिंग्स आ जाएगा। इज़ रेडी।
तो अब ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है हमने। साइज़ हमने कहा जी 12 इंचेस, ठीक है। फ्लेवर हमने कहा जी चिकन, स्ट्रिंग होगा, उसके बाद अब यहाँ पर इशू ये है कि टॉपिंग्स जो हैं वो हमें पता है एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर यूज़र यहाँ एक टॉपिंग डालता है, ठीक है, तो ये टॉपिंग का वेरिएबल जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, राइट, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ चॉइस ऑफ टॉपिंग्स में से अगर यूज़र को कई और टॉपिंग्स देनी है तो अब इशू ये है कि अगर ये टॉपिंग्स लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। अब करना ये है कि जहाँ पर यूज़र को चॉइसेस दी जा रही हैं कि वो इनपुट जो है वो सिलेक्ट कर सके और हमें इस बारे में पता नहीं है कि वो कितने इनपुट उस जगह पे करेगा, कि टॉपिंग्स की लिस्ट में से वो एक टॉपिंग बोलेगा, पांच टॉपिंग बोलेगा, दो या सारी बोलेगा, कुछ पता नहीं है। तो अब इसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर टॉपिंग्स के साथ एक स्टार यूज़ कर लेते हैं, स्टारिक। ये क्या करता है, ये एक ऐसा पैरामीटर बन गया है जो डील करता है विद आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, डील्स विद आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अब अगर इस दो तो पोजिशनल हो जाएंगे लेकिन तीसरे में अगर किसी ने सिंगल वैल्यू डाली, एक वैल्यू डाली या बहुत सारी वैल्यूज़ डाली, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो इस टॉपिंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगी। अब देखते हैं किस फॉर्म में शामिल होती। इसको हमने एग्जीक्यूट किया और ये देखें, तो टॉपिंग्स जब दो डाली गई तो वो दो भी इसमें चली गई। हम इसके अंदर और टॉपिंग्स कर लेते हैं, ये हमने टॉपिंग्स कर दी इसको। अभी जितनी भी ऐड होंगी उस वेरिएबल के अंदर जो लास्ट में है, तो ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर किस फॉर्म में आ रही है, टपल की फॉर्म में ऐड होती चली जा रही। तो इस तरह से अगर यूज़र ज़्यादा वैल्यूज़ देना चाह रहा है और आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपको पता नहीं है कि यूज़र जो है वो कितनी वैल्यूज़ यहाँ असाइन कर सकता है, तो फिर आपको ये आर्बिट्रेरी एक पैरामीटर जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये आर्बिट्री पैरामीटर भी जो है वो लास्ट में होना चाहिए। अगर ये दरमियान में डालेंगे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर फ्लेवर वाली चीज़ भी जो है वो टॉपिंग्स के अंदर चली जाएगी और जितनी भी चीज़ें होंगी वन के बाद वो सारी की सारी टॉपिंग्स में चली जाएंगी, सब कंज्यूम हो जाएंगी। तो ये टॉपिंग्स का जो एस्टेरिक के साथ आपने पैरामीटर बनाया, ये लास्ट में होना चाहिए। तो इस तरह हम आर्बिट्री नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डील कर सकते हैं। इसकी हेडिंग बना लेते हैं, इस तरह फंक्शंस पासिंग इन्फॉर्मेशन बैक फ्रॉम देम, कि फंक्शन से इन्फॉर्मेशन वापस कैसे ली जाए। हमने ये देखा कि फंक्शन हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद हम फंक्शन की बॉडी में दाखिल होते हैं, टास्क परफॉर्म होने के बाद फंक्शन हमें वापस उसी जगह भेज देता है जहाँ से टास्क फंक्शन कॉल हुआ था, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, हम अकेला जो है ना कर्सर आ जाता है। तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाली जा सकती? यस,
फंक्शन जो है वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकता है। वैल्यूज़ रिटर्न कराने के लिए हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं और जो भी वैल्यू हमें वहाँ से निकालनी है फंक्शन के अंदर से वो हम निकाल सकते हैं। फंक्शन से वैल्यूज़ कैसे ली जाती हैं, जो कुछ फंक्शन के अंदर हो रहा है वो फंक्शन से बाहर कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए, ये फंक्शन से कोई वैल्यू कैसे रिसीव की जाए, इसको कहते हैं पासिंग इंफॉर्मेशन बैक फ्रॉम देम। तो अब इस काम को करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। अभी तक जितने फंक्शन हम सबने डिज़ाइन किए बनाए थे वो सारे के सारे फंक्शन कॉल होने पर अपना टास्क परफॉर्म करके वापस उस जगह आ जाते जहाँ से कॉल किया गया था, लेकिन वो अपने साथ कुछ चीज़ वापस नहीं ला रहे थे, कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही थी। अब इस चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पर कि हम दोबारा से अपना ऐड वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये ऐड जो है वो वैल्यू वन वैल्यू टू दो वैल्यूज़ लेगा और क्या करेगा जी, ये आंसर के वेरिएबल में वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू ऐड करके उसमें डाल देगा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस आंसर को यहाँ प्रिंट नहीं करा रहे, हमें प्रिंट नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि वो किसी तरह हमें मिल जाए। जिस तरह अगर हम यहाँ सिर्फ ऐड को कॉल करते हैं और यहाँ टू वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ये फंक्शन कॉल होता है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने वैल्यू ऐड की और आंसर में डाल दी। अब आंसर के अंदर एक वैल्यू पड़ी है जो यूं है, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये जो भी वैल्यू होगी ये फंक्शन कॉल होने पर प्रिंट हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू प्रिंट तो हो रही है, मैं इस वैल्यू को अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास स्टोर नहीं हो पा रही, फंक्शन के अंदर है, बाहर तो आ ही नहीं सकती। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अब हमें इस वैल्यू को बाहर निकालना है, तो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे रिटर्न, रिटर्न आंसर, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया रिज़ल्ट। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यूज़ गई यहाँ पर, ऐड होने के बाद आंसर में असाइन हुई और हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। ये रिटर्न इसके आगे जो भी वैल्यू होगी ये वापस यहाँ भेजेगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो इसकी जगह फाइनली आप समझ सकते हैं कि रिप्लेस होके क्या बन गया, आंसर। और ये आंसर जो है वो किस में चला जाएगा, रिज़ल्ट में। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर एक वैल्यू मौजूद है, जो क्या वैल्यू है, 6। तो रिटर्न से ये वैल्यू हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट में आ गई। इस वैल्यू के साथ हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ये वेरिएबल में मौजूद है। मैं इसके साथ जो है ना मल्टीप्लाई करा दूँ किसी नंबर को, तो ये मल्टीप्लाई होके काम चलेगा। तो इस तरह ये वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गई और हम इसको रीयूटिलाइज़ कहीं भी कर सकते हैं किसी भी सेंस में। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि रिटर्न हमने यहाँ पर सिंगल वैल्यू कराई है, क्या यहाँ पर और भी कुछ रिटर्न हो सकता है? जी हाँ, रिटर्न में आप मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करा सकते हैं। जिस तरह हमने कहा जी हेलो पाइथन, या इसको कहते हैं हेलो फंक्शन। अब मैं इसको रिटर्न कराता हूँ, तब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ भी रिटर्न हो गई। इसका मतलब रिटर्न एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है और वो टपल की फॉर्म में आती है, क्योंकि ये सेंड करेगा, यहाँ पर आएंगी वैल्यू, यहाँ आने के बाद रिजल्ट में जाएंगी। जब किसी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज जाती हैं तो वो टपल की फॉर्म में सेव हो जाती हैं या असाइन हो जाती हैं। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम रिटर्न करा सकते हैं। उसके अलावा रिटर्न के अलावा फंक्शन में हम क्या डाल सकते हैं, रिटर्न के अलावा अगर हम बाद में कुछ डालेंगे फंक्शन के अंदर तो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जब जब फंक्शन कॉल किया जाएगा रिटर्न के बाद वो वापस कॉल जो है यहाँ आ जाएगी, इस लाइन का नंबर जो है वो आएगा ही नहीं, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसलिए आपने जो भी एग्जीक्यूशन या कैलकुलेशन लगानी है वो रिटर्न से पहले लगानी है। रिटर्न मस्ट बी द लास्ट लाइन ऑफ द एग्जीक्यूशन इन द फंक्शन। अगर फंक्शन
के अंदर आपने लास्ट में कुछ लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न के बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। यूजिंग फंक्शंस एज वेरिएबल्स विच इज़ व्हाट दे रियली आर, कि फंक्शंस को एज अ वेरिएबल यूज़ करना, और बेसिकली ये होते ही इसलिए कि इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए। अब फंक्शंस को एज अ वेरिएबल यूज़ करना कैसे यूज़ करेंगे, कि आप फंक्शंस की कॉल एक्चुअली आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ कर देंगे। एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 2+3+add का फंक्शन, वट एवर एड विल रिटर्न विल बी यूज इन दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह फंक्शंस जो है वो एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो जाता है। यूजिंग फंक्शंस एज वेरिएबल्स, फंक्शंस को हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करें, किस तरह कर सकते हैं ये काम कि फंक्शन एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो। हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सम, या ऐड का फंक्शन। एक फंक्शन है हमारा जो दो वैल्यूज़ लेता है और इन दोनों को प्लस करके रिटर्न करा देता है। एक फंक्शन है हमारा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, ये इन्हीं दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करा देता है और रिटर्न करा देता है। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करने वाले हैं, हम रिज़ल्ट का हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने यहाँ लिखा ऐड का फंक्शन जिसमें हमने वैल्यूज़ दे दी 2 और 3, प्लस हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल किया, यहाँ वैल्यूज़ दे दी 2 और 3। राइट, अब क्या होगा, अब ये जो एडिशन लगा हुआ है ये बिटवीन फंक्शंस लगा हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद इसका आंसर जो है वो रिज़ल्ट को असाइन हो रहा है। तो इस लाइन को, इस एक्सप्रेशंस को हम कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है वो एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी पहले सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू जाएगी बी में और ए में, उसके बाद ए माइनस बी रिटर्न होगा, जो भी रिटर्न आएगा वो इसकी जगह पर आंसर आ जाएगा। इस केस में क्या आंसर आएगा, हमारे पास इस जगह पे ए माइनस बी में 1, फिर ए जब ये कॉल होगा ऐड का फंक्शन ए प्लस बी, इसमें 2 और 3 जाएगा तो यहाँ पर जवाब होगा 5, और रिज़ल्ट में आपके पास जवाब आएगा 6। ये आपके पास एग्जीक्यूशन होगी इसकी, तो इसकी रिटर्न वैल्यू 1, इसकी रिटर्न वैल्यू 5, और ये दोनों रिटर्न वैल्यूज़ ऐड होंगी और रिज़ल्ट में चली जाएंगी। तो इस तरह से हम फंक्शंस को एज अ वेरिएबल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चेक करते हैं रिजल्ट्स में क्या आंसर है आपके पास, 6 आंसर मौजूद है। तो फंक्शंस एज अ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि आप कहीं पर भी फंक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बशर्त ये कि उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही हो। अगर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ भी प्रिंट कराता है, ठीक है, और अब हम इसको चलाएं, तो अभी पहली बात तो यहाँ पर एक टाइप इंट का रहा है, नन टाइप और इंट, कि यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसकी जगह क्या आएगा जवाब में, अब नन, नन और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अगर फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो क्या वैल्यू आएगी वहाँ पर, नन। तो ये आपके पास रिजल्ट है, फंक्शंस एज अ वेरिएबल्स। फंक्शंस में लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, जो तमाम वेरिएबल्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं उनका स्कोप फंक्शन के अंदर ही होता है। अगर हम उन्हें फंक्शन के बाहर कॉल करने की कोशिश करेंगे
तो वो कॉल नहीं होंगे। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम वेरिएबल्स जो कि फंक्शन की बॉडी के बाहर डिफाइन किए जाएं और उनका एक्सेस फंक्शन की बॉडी के अंदर भी हो और फंक्शन की बॉडी के बाहर भी हो, तो ऐसे तमाम वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। फंक्शंस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, जिस तरह मैंने आपको डेफिनेशन बताई लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स की, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि फंक्शंस के साथ किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन डेफिनेशन है, बी हैप्पी, राइट। इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम। हमने इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम, यहाँ पे लिख दिया अभी मिस्टर ए। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट लिखा जी नेम इज वेरी हैप्पी टुडे। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। इस फंक्शन की जब मैं कॉल लूँगा, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे बी हैप्पी, तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज को लाइक दिस, इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो इसने ये दिखा दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो समझने की बात है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, लोकल वेरिएबल। जो नेम है ये एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इस नेम को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करूँ फंक्शन से बाहर, तो ये हमें एरर जनरेट करेगा कि आपके पास नेम इज़ नॉट डिफाइंड। यानी नेम का स्कोप फंक्शन के अंदर तो है, यूज़ हो गया, लेकिन नेम का स्कोप फंक्शन के बाहर नहीं है, इसीलिए इस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ अनदर नेम, इस नेम में मिस्टर बी, ये अनदर नेम है। एक फंक्शन बनाया मैंने सेम, जिसमें आपके पास मिस्टर बी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने लिखा जी सैड, यहाँ मैंने लिखा ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट अनदर नेम इज वेरी सैड टुडे, राइट। ये हमने फंक्शन बना लिया सेट का फंक्शन, इसकी बॉडी में हम देख रहे हैं, ये हमने स्टेटमेंट प्रिंट कराया। अच्छा, जब मैं इस सेट के फंक्शन को कॉल करूँगा तो मिस्टर बी जो फंक्शन के बाहर था वो अब यहाँ पर कॉल हो गया। अच्छा, मैं अनदर नेम को अगर यहाँ एक्सेस करूँ, प्रिंट कराऊँ, प्रिंट अनदर नेम, तो अनदर नेम यहाँ भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। ग्लोबल होने की वजह से मिस्टर बी
यानी another name जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल है और फंक्शन के बाहर भी कहीं पर भी अवेलेबल है, इसलिए इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, उसके ब्लॉक के अंदर वी कैन कॉल अनदर फंक्शन। एक फंक्शन हमने बनाया हुआ ऐड का, एक फंक्शन हमने बनाया हुआ सबट्रैक्ट का। अब ऐड की बॉडी के अंदर मैं फंक्शन सबट्रैक्ट के फंक्शन को भी यूज़ कर लेता हूँ, तो जब वो ऐड का फंक्शन कॉल होगा और ऐड के फंक्शन की बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर उसे सबट्रैक्ट के फंक्शन की कॉल मिल जाएगी, वो सबट्रैक्ट के फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। इस तरह एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस। फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस कि एक फंक्शंस के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, इसके लिए हम एक कोड लिखते हैं थोड़ा सा आपके ताकि समझ में आ सके। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सैलरी कैलकुलेटर का। इस फंक्शन में हमने क्या किया कि ग्रॉस सैलरी जो है वो होगी बेसिक प्लस कमीशन। अब ये कमीशन यहाँ पर कहाँ से आएगा, कमीशन कैलकुलेटर का अलग फंक्शन होगा जो यहाँ पर क्या करेगा, कमीशन बताएगा। बेसिक सैलरी कहाँ से आएगी, बेसिक सैलरी के लिए हमने यूज़र से जब फंक्शन कॉल होगा तो उससे बेसिक सैलरी जो है वो पूछ लेगी। फिर क्या हो जाए, ये प्रिंट करा देगा, प्रिंट योर ग्रॉस सैलरी इज ग्रॉस सैलरी। अच्छा, कमीशन कैलकुलेटर में क्या होगा, कमीशन कैलकुलेटर में हम रखते हैं यहाँ पर कि जब कमीशन कैलकुलेटर कॉल होगा तो वो आपसे पूछेगा सेल्स कितनी की है। अब उसके हिसाब से हम यहाँ कोड रखते हैं, इफ़ सेल्स ग्रेटर देन 100 तो हर सेल्स पर आप रिटर्न कर दें कमीशन को 100 × 100। अगर एलिफ सेल्स आर ग्रेटर देन 50 तो आप रिटर्न कर दें रिटर्न यहाँ सेल्स रिटर्न और इसमें सेल्स 50। एलिफ सेल्स आर ग्रेटर देन 20 तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय 20। आखिर में अगर ये कुछ भी मैच ना करे एल्स रिटर्न 0। तो ये आपका कमीशन कैलकुलेटर है, ये आपकी बेसिक सैलरी है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस कि हमने एक फंक्शन बनाया सैलरी कैलकुलेटर का जो बेसिक सैलरी दे रहा है और आपसे ये सेल्स मांगेगा और कमीशन को हम सेल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कोड किस तरह करना है। हमने इसको सैलरी कैलकुलेटर जो है वो कॉल करते हैं, कमीशन कैलकुलेटर में आपके पास इनपुट सेल्स डेफ नहीं लगाया हुआ हमने, सॉरी, ये आपके पास कमीशन कैलकुलेटर बन गया। अब हम यहाँ से कॉल करते हैं सैलरी कैलकुलेटर का फंक्शन और इसको हमने क्या देने, बेसिक सैलरी देनी और साथ साथ हमने बताना है कि सेल्स आइटम इसके 150 हैं। तो ये सैलरी कैलकुलेटर
कॉल करेगा सैलरी कैलकुलेटर फंक्शन को, दो वैल्यूज जाएंगी, बेसिक बेसिक में आ जाएगी, सेल्स जो है वो कमीशन कैलकुलेटर के फंक्शन को कॉल करेगा। इसको कहते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन। ये कमीशन कैलकुलेटर में जाएगा और जो कंडीशन मैच करेगी, इन दिस केस ये कंडीशन मैच कर रही है और ये कैलकुलेट हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं इसको, योर ग्रॉस सैलरी इज दिस। ये कॉन्सेप्ट है फंक्शंस विद इन अ फंक्शंस का, कि एक फंक्शन हमने बनाया, उसके अंदर उसकी बॉडी में हमने एक और फंक्शन को कॉल कर लिया। लूप्स के बारे में हमने प्रीवियसली काम किया और हमने देखा लूप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से लूप इस्तेमाल किया जाता है आइट्रेटिव काम करने के लिए, काम को एक काम जो बार बार रिपीट करना है उस काम को परफॉर्म करने के लिए उस काम को लूप्स के अंदर रख देते हैं। हमने फॉर लूप्स पढ़े। अब हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ लूप्स जो है पाइथन में वाइल लूप कहलाती है। वाइल लूप भी आइट्रेटिव काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, जितने आइट्रेटिव टास्क होते हैं या किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना है तो फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी इस्तेमाल होते हैं। फंक्शनैलिटी के हिसाब से दोनों एक जैसा ही काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। फॉर लूप के अंदर हमने देखा कि फॉर लूप स्टार्ट होता है और एंड होता है एक सर्टेन पॉइंट पर, जितनी दफ़ा आपने लूप को एग्जीक्यूट किया होता है उतनी बार पर लूप चल जाता है। वाइल लूप हमें ये चॉइस देता है कि हम वाइल लूप को यूज़र के एंड पर ये चॉइस दे सकते हैं कि यूज़र इसको किसी भी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट कर सके। ये टर्मिनेशन का जो तरीका है इसके लिए हम फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग्स क्या चीज़ हैं? फ्लैग जस्ट एक वेरिएबल है जो हम सेट करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर वाइल लूप में ये कंडीशन आ जाए तो ये फ्लैग जो है वो फॉल्स या ट्रू हो जाए, जिसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाए। तो देखते हैं हम वाइल लूप को परफॉर्म करके। जैसा कि अभी हमने वाइल लूप्स का डिस्कशन किया, वाइल लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर लूप के बारे में हमने देखा कि किस तरह फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। वाइल लूप भी यूज़ होता है फॉर आइट्रेटिव वर्क्स, के एक काम को अगर बार बार करवाना हो तो उसको लूप के अंदर रखते हैं। वाइल लूप भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। वाइल लूप और फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम इम्प्लीमेंटेशन में उसको नोट करेंगे। सिंटैक्स हम देखते हैं वाइल लूप्स का। वाइल एनी कंडीशन ए लेस देन 10, ये हम इसकी बॉडी में आ गए, हमने बॉडी के अंदर जो है वो कोई टास्क दे दिया कि भाई ये प्रिंट करना है, दिस इज वाइल लूप प्रिंटिंग। अब ए जो है वो अभी ए अनडिफाइन है तो हमें ए का एक वेरिएबल जो है वो स्टार्ट में लेना पड़ेगा। हमने ये कहा है कि ए जब तक 10 से छोटा हो, तो ए की स्टार्टिंग पॉइंट कोई होगा, हमने कहा ए 0 है। अब ए 0 है, ये एक अंदर वैल्यू वाइल ए लेस देन 10 ये कंडीशन आएगी ट्रू, और ट्रू आने की सूरत में ये प्रिंट हो जाएगा। जब तक ये ट्रू रहेगा ये चलता रहेगा। कब तक ट्रू रहेगा? इस केस में तो ये हमेशा ट्रू रहेगा क्योंकि ए के अंदर वैल्यू 0 रहेगी हमेशा। ए के अंदर वैल्यू को अपडेट करना है, उसके लिए हम ए के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट लगाएंगे 1 का या व्हाटएवर जो भी वैल्यू हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं एक बार लूप चलने के बाद। अब इसको अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास जो आंसर में वैल्यूज आती हैं वो ये आपके पास इसका आउटपुट है। मैं इसके अंदर ए को भी शामिल कर दूं ताकि काउंटिंग भी चलती रहे कि 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक चला, जैसी वैल्यू 10 हुई अगर इसको लेस देन इक्वल टू कर दूं तो ये 10 टाइम्स और 10वां भी जो है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस तरह तो ये वाइल लूप जो है वो काम करता है। ये काम मैं एक बार रिपीट करूँ, हमने फॉर लूप से भी किया था। फॉर नंबर इन रेंज 10, और यहाँ मैंने फॉर लूप के अंदर यूँ इसको लिखा, दिस इज फॉर लूप प्रिंटिंग। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दे दूँ नम का, तो ये सेम काम जो है फॉर लूप से हो रहा है। अगर मुझे इसको 10 टाइम
11 टाइम करना है तो 11 जीरो से स्टार्ट होकर 10 तक, सी सेम काम जो है व्हाइल लूप ने किया फॉर लूप ने किया। इन दोनों में एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ ज़ीरो से और जितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना था हमने इसको एग्जीक्यूट होने दिया, इसी तरह फॉर लूप स्टार्ट होगा ज़ीरो से और ये 11 तक यानी 10 तक चलेगा, एक कम तक चलेगा हमें पता है। तो ये बात डेफिनेट है कि इसको इतना चलना है अनटिल एंड अनलेस हम इसके अंदर कंटिन्यू या ब्रेक के कीवर्ड्स लगाकर किसी कंडीशन पे लूप को ब्रेक ना करें। लेकिन अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ और उसको लूप में रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ कि a इज इक्वल टू ज़ीरो वाइल a लेस देन 10। अब मैंने यहाँ यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र इनपुट में मैंने इनपुट लिया कि भाई इंटर योर फेवरेट फूड्स, और मैंने इसको कहा भी a प्लस क्वेस्ट 1। अच्छा जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर योर फेवरेट फूड्स, मैंने कहा जी मेरी फेवरेट फूड है जी कढ़ाई, ओके। उसने कहा दोबारा फेवरेट फूड्स, मैंने कहा जी मेरी फेवरेट फूड है जी बिरयानी। अब मसला, अब सवाल ये है कि अब मेरी फेवरेट फूड दो ही हैं, लेकिन चूंकि लूप ने तो एग्जीक्यूट होना है 10 टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं किस तरह लूप को रोक सकूं। या फॉर एग्जांपल मैं फेवरेट फूड डालता रहता हूं, मैंने यहाँ पर डाल दी फेवरेट फूड्स, ये कितनी हो गई भी 3, 6, 9, 10, ये 10 टाइम्स हो गई। अब मैं लूप जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, जबकि मुझे एक और फूड डालना था क्योंकि मेरी फेवरेट फूड जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन लूप चूँकि कम्प्लीट चल चुका है लिहाजा वो ब्रेक हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमें पता ना हो कि यूज़र ने कितने इनपुट डालने हैं, तो फॉर लूप और वाइल लूप इस कंडीशन में वो अपने मुकर्ररा लूप्स जितने काउंटर वैल्यूज़ रखी हैं वेरिएबल में रखी है हमने, इसके 10 टाइम चलना है, 9 टाइम चलना है, 5 टाइम, उतनी दफ़ा चलेगा वो। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि ये कंट्रोल यूज़र के हाथ में दे देते हैं, जो फॉर वाइल लूप के अंदर आसानी से काम हो सकता है कि यूज़र जब चाहे ख़ुद लूप को टर्मिनेट कर ले। इसके लिए इसको हम कहते हैं सेटिंग अ फ्लैग, फ्लैग सेटिंग जो है वो हम करते हैं। ये इससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, हमने एक वेरिएबल बना लिया फ्लैग, आप किसी भी नाम से इस वेरिएबल को बना सकते हैं, हमने वेरिएबल बनाया फ्लैग, उसको वैल्यू दे दी ट्रू। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल फ्लैग, यानी जब तक ट्रू है, ट्रू रहे तो उसने क्या करना है, हमने यही काम कराना है कि यूज़र से इनपुट लेना है और उसको यहाँ पर इंटर करा देना है। अब यूज़र इनपुट देगा, इनपुट देने के बाद अब हम चेक करेंगे यहाँ पर यूज़र को चॉइस देने के लिए, इफ़ यूज़र इनपुट की वैल्यू इक्वल्स है क्यू के इक्वल हो जाए तो फ्लैग क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए। फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी जब लूप दोबारा चलने जाएगा, तो फ्लैग या फॉल्स हो जाएगा और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स ना हो तो फिर आपने क्या रखना है एल्स के अंदर, इस यूज़र इनपुट को हम क्या करते हैं कहीं अपेंड करा देते हैं, एक हम यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं फेवरेट फूड्स का, हमने फेवरेट फूड्स का एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया। अब इसको फेवरेट फूड्स के अंदर फेवरेट फूड्स डॉट अपेंड, इसमें हमने यूज़र इनपुट जो है वो अपेंड करा लिया राइट और हम फाइनली बाहर निकल के फेवरेट फूड्स जो है हमने, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये कहता है इफ़ यूज़र इनपुट इज़
डबल इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल्स लगाते हैं। हमने इंटर फेवरेट फूड्स, हमने कहा जी कढ़ाई, ओके, इंटर फेवरेट फूड, हमने कहा जी बिरयानी, इंटर फेवरेट फूड, हमने कहा जी दाल, इंटर फेवरेट फूड। अब मेरी फेवरेट फूड्स कंप्लीट हो गई, अब लूप को ब्रेक कराने के लिए मैं इनपुट डाल दूंगा क्यू, और ये लूप ब्रेक हो गया और हमारे पास ये फेवरेट फूड जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि अब जो कंट्रोल है वो डेफिनेट नहीं है, लूप की एग्जीक्यूशन डेफिनेट नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है। अब ये कंट्रोल यूज़र के हाथ में चला गया है कि यूज़र जितनी चाहे इनपुट दे सके, जितनी चाहे वैल्यूज़ ऐड करा सके, और फाइनली जब उसको क्विट करना हो, चाहे वो एक ही वैल्यू की बात क्विट कर दे, चाहे वो एक भी वैल्यू ना डाले, पहला ही इनपुट जो है वो पर क्विट कर जाए, ये अब यूज़र के हाथ में कंट्रोल चला गया। तो ये काम जो है वो व्हाइल लूप के थ्रू हो सकता है, जो हमने करके देखा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है फॉर लूप से कि हम इसको इस्तेमाल करके इस तरह की कंडीशन जो है वो सेट कर सकते हैं। आप इस तरह मुख्तलिफ कंडीशन जो है वो अप्लाई करके जो है फ्लैग के साथ व्हाइल लूप की चॉइस यूज़र के हाथ में दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आज हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये सारी बातें डिस्कशन में आएंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा जाता है और जो बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो है क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं क्लासेस के कॉन्सेप्ट से। क्लासेस क्या हैं? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ पाइथन में क्लास बेस्ड है। हर वो काम जो हम करते रहे हैं अब तक, हमें उसमें अब तक तो हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हमें फील नहीं हुआ, हर चीज़ क्लास बेस्ड है। हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी भी हैं उसके अंदर, जो बिल्ट इन पाइथन के अंदर यूज़ हुई हैं या पाइथन ने उसको यूज़ किया हुआ है। तो प्रोग्रामर्स क्लासेस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि एक जैसी रिलेटेड चीज़ों को एक साथ रख सकें, बाइंड कर सकें बहुत सारी रिलेटेड नॉलेज को जो किसी भी एक चीज़ के बारे में हो। क्लासेस बनती कैसे हैं, डिफाइन कैसे होती हैं, क्या क्या उसके अंदर होता है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल फिर पैदा होता है, व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास क्या है? बाय डेफिनेशन क्लास इज़ अ मॉडल, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज़ अ मैप, और वेरी सिंपल, क्लास इज़ जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ समथिंग। जब हम टेम्पलेट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस टेम्पलेट की मदद से, उस एग्जाम्पल की मदद से आप दूसरी चीज़ें उस जैसी ही क्रिएट कर सकते हैं। अ क्लास में आल्सो बी डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन बी फॉलोड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंसेस। कि क्लास की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस जो है वो क्रिएट किए जाएं। क्लासेस के साथ दूसरा अहम कॉन्सेप्ट जो आता है जब भी जिक्र होगा क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का जिक्र होगा। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, जो क्लास से बने हैं। एक क्लास बनाई गई है, अब उसकी जितनी कॉपीज़ बनेंगी वो सारी की सारी उसकी ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। इस तरह हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आपके पास एक क्लास है, से एक रेड ऑब्जेक्ट, एक ग्रीन ऑब्जेक्ट, एक पर्पल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। लेकिन ख़ास बात क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्लास को फॉलो कर रहे होंगे। जैसी क्लास होगी सिमिलर उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये कार की एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्लास आपको नज़र आ रही है। एक कार है जो एक क्लास है, उसे ऑब्जेक्ट्स फॉर्म किए हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। अब कार की प्रॉपर्टीज़ में हमने डिफाइन किया हुआ है क्लास की, यानी कार की जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टी में कार का कोई ना कोई कलर होगा, कार की कोई ना कोई मेक होगी, उसका कोई मॉडल होगा। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो लाजमन ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई मेक होगी, कोई ना कोई उसका मॉडल होगा।
ये बहुत तीन सिंपल से वेरिएबल ले लिए हैं, ये कुछ और भी हो सकते हैं, कार के इंजन कैपेसिटी हो सकती है, कार की सिटिंग कैपेसिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होंगे वो एज इट इज़ कार को फॉलो कर रहे होंगे। कार के अलावा इसमें दूसरी मिसाल सेल फोन की हो सकती है, कंपनी का एक पर्टिकुलर मॉडल का फ़ोन है। अब जिसके पास भी वो पर्टिकुलर मॉडल का फ़ोन होगा उस जैसा ही होगा, कलर चेंज हो सकता है लेकिन उसका साइज़, उसका वेट, उसकी मेमोरी, उसका रैम, ये सारी चीज़ें जो कंपनी ने उस मॉडल में रखी ऐसी ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उस मॉडल का ही फ़ोन हो लेकिन उसकी रैम जो है वो 2 के बजाय 4 GB हो या 8 GB हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें क्लास की हूबहू कॉपी होंगी। अब क्लास की हमने थ्योरेटिकल तो बेसिस को समझने की कोशिश की है कि क्लास क्या है और ये किस तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। अभी हम देखते हैं कि हम कोडिंग में क्लास जो है वो कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है क्लास का, और फिर आपका जो भी क्लास का नाम है वो आप उसको आगे लिखते हैं और दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद कॉलन लगा के क्लास की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। कन्वेंशन ये है कि क्लास का नाम आप कैपिटल लेटर से लिखें। अब क्लास तो हमने डिफाइन कर ली है, उसकी बॉडी के अंदर हम आ गए हैं। अब सवाल ये होता है व्हाट एक्चुअली क्लास होल्ड्स, क्लास में रखेंगे क्या, क्लास अपने अंदर क्या क्या चीज़ें रखती है। तो जब कोई क्लास है किसी भी चीज़ की, हम बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लास एंड एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट, हर चीज़, आप, मैं, हर ऑब्जेक्ट, सेल फोन, मोबाइल फोन, गाड़ी, बिल्डिंग, ट्री, कोई एनिमल, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब क्लास हैं। तो ये क्या होता है, मैं, मेरा कोई नाम है, मेरी एज है, मेरा जेंडर है, मेरी दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरे सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्लास के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसी तरह अगर कोई कार है तो कार की मेक है, मॉडल है, सीटिंग कैपेसिटी है, कार का कलर है, कार का साइज है, ये सारे के सारे कार के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर कार क्लास के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है बिहेवियर्स की, कि मेरे एट्रीब्यूट्स तो ये थे, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सिक्स सेंसेस हैं, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, ये सारे मेरे बिहेवियर्स हैं जो मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये सारे एक्शंस क्लास के बिहेवियर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल्स कहते हैं और बिहेवियर्स को फंक्शंस कहते हैं। क्लास हमने डिफाइन की, उसके अंदर एट्रीब्यूट रखे, उसके अंदर बिहेवियर रखे, क्लास हमारी मुकम्मल हो गई। ये एक मॉडल क्लास जो है वो फॉर्म की हमने देखा। अब हम उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, हमने पहले भी डेफिनेशन में देखा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम भी अपने सराउंडिंग में किसी भी चीज़ पर नज़र डालें वो क्लास की टर्म में अब ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आएगी। ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी क्या है कि अपनी क्लास को फॉलो करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है तो जो क्लास की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी लाजमी है, वो फुलफ़िल होंगी तभी क्लास उसको अपना ऑब्जेक्ट बना सकती है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, अब आप देख रहे हैं कि इंस्टेंस किस तरह क्रिएट हो रहा है, कि हमारे पास क्लास का कीवर्ड कार, उसकी बॉडी में जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन आपने डिफ़ाइन किए, क्लास की बॉडी तैयार हो गई, यानी क्लास रेडी है। अब हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, फॉलोड बाय क्लास का नाम एंड पैरेंथेसिस, सिंपल तरीका है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, ये कार वन का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऐसे आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, देयर इज़ नो लिमिट। कार टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, कुछ और नाम रख लें, वॉट एवर आइडेंटिफायर आप जो अपने वेरिएबल को देना चाहते हैं, जिससे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो नाम रख सकते हैं। वो सारे कन्वेंशन जो वेरिएबल नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे रूल्स जो वेरिएबल नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के या ऑब्जेक्ट के नाम पर भी अप्लाई होंगे। तो कार
क्लास के नाम के साथ पैरेंथेसिस और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स ऐड कराएंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके हम ऑब्जेक्ट की मदद से कार्स, जो भी कार की हमने क्लास बनाई है, जो भी क्लास बनाई है उसके अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके बिहेवियर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते एक मुकम्मल एग्जाम्पल की तरफ जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सिंटैक्स भी समझ में आएगा। क्लासेस कैसे डिफाइन होती हैं, क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हाउ टू डिफाइन अ क्लास। क्लास डिफाइन करने के लिए आप क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये क्लास का जो कीवर्ड है ये हमने यूज़ किया, इससे क्लास जो है वो डिफ़ाइन हो गई। अब क्लास का नाम आपने रखना है। क्लास फॉर एग्जांपल हम एक कार क्लास बना लेते हैं, ये कार क्लास है और कॉलन लगा के इसकी बॉडी, अभी मैं इसको पास करा देता हूँ। ये हमारे पास कार क्लास जो है वो रेडी हो गई। तो डिफ़ाइन करने के लिए क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, कार का नाम कोशिश करें कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें ताकि कन्वेंशन बन जाए, उसके आगे ब्रेसिस, फिर कॉलन और फिर उसकी इंडेंटेड बॉडी है। अब जिस तरह हमने पहले देखा था कि कार के अंदर या क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें क्लास होल्ड कर सकती है, तो हमने बात की थी क्लास होल्ड्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और बिहेवियर्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में, वेरिएबल्स कहलाते हैं। एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। बिहेवियर्स आर फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्लास के अंदर हम वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे जो हम चाहते हैं कि क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके पास क्लास की ये प्रॉपर्टीज़ या ये एट्रीब्यूट्स या ये वेरिएबल्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ऐसा करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक स्पेशल फंक्शन है जिसको बनाने के लिए हमने किया अंडरस्कोर वन टाइम अंडरस्कोर सेकंड टाइम INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर और ब्रैकेट लगाया। सेल्फ का एक पैरामीटर यहाँ पर आप रखेंगे, ये फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ ही रहेगा। अभी हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ सेल्फ। अब हम ये वो पैरामीटर्स यहाँ रखने वाले हैं जो हमें लाजमी करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ऑब्जेक्ट अगर बनना चाहता है इस क्लास का पार्ट तो ये प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार की मेक मॉडल एंड ईयर, ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं। जब ये एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे तो इन एट्रीब्यूट्स को हम किसी वेरिएबल्स के अंदर सेव करा लेंगे। यानी ये मेक का जो एट्रीब्यूट आएगा यहाँ पर, ये मेक ये रहा, ये वैल्यू इस मेक से निकल के इस मेक में असाइन हो जाएगी। ये जो मेक है ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप इसको कार मेक रख दें या खाली मेक रख दें। आसानी के लिए हमने क्या रख दिया, सेम नाम रख दिया। मेक में जो वैल्यू आएगी वो इस मेक में चली जाएगी। सेल्फ डॉट मॉडल, ये वेरिएबल बनाया, मॉडल में जो वैल्यू आएगी वो इस मॉडल में चली जाएगी। सेल्फ डॉट ईयर, ये हमने ईयर जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने क्रिएट कर लिए, राइट। अब एट्रीब्यूट्स के अलावा क्या हो सकते हैं, हमने एट्रीब्यूट्स के अलावा बिहेवियर्स हो सकते हैं और बिहेवियर्स के लिए आपने क्या करना है, बिहेवियर्स यानी कि फंक्शंस। फंक्शन के लिए आपको फंक्शन डिफाइन करना आता है, फंक्शन।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन इस कार के अंदर रखता हूँ कि वो रिटर्न करे आपको कार का फुल डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन का एक फंक्शन बना ली, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कार। हर फंक्शन के अंदर आप सेल्फ जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट क्या कार का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द मेक ऑफ कार इज, जब भी आप कार के वेरिएबल मौजूद जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस करेंगे सेल्फ से करेंगे, सेल्फ डॉट मेक, राइट। इसी तरह मैं बाकी इसके डिस्क्रिप्शन भी प्रिंट कराता हूँ, सेल्फ डॉट मॉडल एंड सेल्फ डॉट ईयर। ये कार का हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन को हम ये कहते हैं, बल्कि ये हमारे पास एक क्लास के अंदर कार के एट्रीब्यूट्स भी हैं और कार का एक फंक्शन भी हमने बना लिया। दूसरा फंक्शन हम ऐड करते हैं कि कार क्या कर सकती है, कार के एक्शंस क्या हो सकते हैं। कार कैन मूव, राइट। तो सेल्फ लगाना है आपने फंक्शन में, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट के एफ, हमने यहाँ कहा भी के सेल्फ डॉट मेक, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, हमने सीखा हुआ है, इज मूविंग विद स्पीड लाइक दिस। इस तरह हम कोई से भी फंक्शन बना सकते हैं, हम ब्रेक लगा सकते हैं या अप्लाइंग ब्रेक, ये फंक्शन बना दिया हमने सेल्फ। ये क्या करेगा, इसके अंदर भी काम करते हैं, प्रिंट एफ, हमने यहां पर लिखा, किसी और वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, सेल्फ डॉट मॉडल, आपने इसको भी कर्ली ब्रैकेट में रखना हैज अप्लाइड द ब्रेक। ये कार के एक्शंस हो गए। तो इस तरह हमने क्या किया, अपनी कार भी तैयार कर ली है जिसके अंदर हमारे पास कार के एट्रीब्यूट्स भी हैं और कार के बिहेवियर भी हैं, यानी कार के वेरिएबल्स भी हैं और कार के फंक्शंस भी हैं। इस कार को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये क्लास एग्जीक्यूट हो गई हमारे पास, कोई इसमें एरर नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, हमने इसके अंदर क्या क्या काम किया, इनिशियलाइजर बनाया। ये इनिशियलाइजर क्या काम करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसके पास वो मैंडेटरी वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी जो इसके अंदर मेक के अंदर आ जाएंगी और मेक से इस सेल्फ डॉट मेक के अंदर जो असाइन हो जाएगी। ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ जो है वो कोई आपके इनिशियलाइजर के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होगा, ज़रूरी नहीं कि इसका नाम आप सेल्फ रखें, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बस फर्स्ट पैरामीटर होगा जो क्या करता है, जो यहाँ यूज़ करेंगे आप, और इसके थ्रू क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हर एक के लिए उसकी वेरिएबल्स की और फंक्शंस की अलग अलग कॉपी जो है वो फॉर्म होती है। अभी हम सीखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम सोचना पड़ेगा,
फॉर एग्जाम्पल हमारी कार की क्लास है तो उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट कार वन रख दिए। ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर वो तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए वो सारे इम्प्लीमेंट वैसे ही होंगे कि आप ऑब्जेक्ट का नाम भी जो है वो जाहिर है कीवर्ड्स नहीं रख सकते, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने पहले सीखी हुई वो सारी इम्प्लीमेंट होगी। कार वन हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आप क्लास का नाम यूज़ करेंगे। क्लास का नाम यूज़ करके आपने ब्रैकेट्स लगाए और इन ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या पास करेंगे, वो तमाम वैल्यूज पास करेंगे जो इनिशियलाइजर ने आपसे मांगी हुई है, राइट। तो आप सबसे पहले इनिशियलाइजर ने मांगा है मेक, क्या जी मेक जो है वो उसकी होंडा है, फिर उसने कहा जी मॉडल, उसने कहा जी सिविक, उसने तीसरी चीज़ हमसे कही कि ईयर, हमने कहा जी 2019। ये आपने तीन प्रॉपर्टीज़ जो है मैंडेटरी जो इनिशियलाइजर के अंदर थी वो कार की हमने प्रोवाइड की, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस तरह मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस क्लास के क्रिएट हो सकते हैं, राइट। मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया होंडा, या आप कोई और सा ले लेते हैं, सुजुकी, और हमने कहा जी कल्टस 2015, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये कार का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इससे हो क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनता है तो क्लास में मौजूद तमाम एट्रीब्यूट्स और तमाम बिहेवियर्स उस ऑब्जेक्ट को अवेलेबल हो जाते हैं। चेक करते हैं कि इस कार के ऑब्जेक्ट को अवेलेबल हुए हैं नहीं, कार वन का ऑब्जेक्ट डॉट डॉट दबा के टैप प्रेस किया, देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन का बिहेवियर उसका, मूव, फ्लाइंग ब्रेक, मेक, मॉडल, जो जो वेरिएबल्स और जो जो फंक्शंस हैं वो इसको यहाँ पर अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल कार वन डॉट मेक मैं कॉल करता हूँ, ये क्या रिटर्न करता है, कार वन की मेक होंडा। कार टू डॉट मेक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़रा सा ध्यान लगाइएगा, सुजुकी। अब हुआ क्या, जब कार वन ने अपनी मेक भेजी होंडा, वो भी यहाँ एट्रीब्यूट में गई मेक, और मेक से इस वाले मेक के अंदर आ गई, राइट। कार टू ने भी अपनी मेक भेजी जब सुजुकी, वो सुजुकी भी जो है वो यहाँ मेक तक पहुँची और इस मेक से निकल के इस मेक में आ गई। तो क्या जो पहली वाली भेजी थी और दूसरी वाली जब बाद में गई तो पहली वाली को ओवरराइड कर दिया क्या, नहीं, ओवरराइड नहीं होता। यही इस सेल्फ का काम है कि ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए इस तमाम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की अलग अलग कॉपी बनाएगा। ये जब कार वन क्रिएट हुआ इसकी बिल्कुल अलग, इसको तमाम चीज़ें अलग मिल गई, कार टू जब क्रिएट होगी इसको तमाम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स अलग कॉपी बन के मिल जाएंगे। इसलिए जब हम हर एक का कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ सेम वेरिएबल, तो वो हर एक अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लेकर आएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। कार टू डॉट टैब दबा के हमने कहा जी डिस्क्रिप्शन निकाल दें, कार टू का डिस्क्रिप्शन, सॉरी फंक्शंस है तो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ब्रैकेट अप्लाई की, अब हमने किया ये कार टू का डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी तरह मैं जब डिस्क्रिप्शन कॉल कार वन का कॉल करूँगा, सेम फंक्शन है लेकिन वो क्या करेगा, कार वन की जो कॉपी है उस कॉपी में से वो डिस्क्रिप्शन जो है वो लेकर आएगा। तो सेल्फ का काम यही है कि सेल्फ हमेशा जो है वो क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की कॉपी बना देता है। जब आप उसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट नाम के साथ तो वो अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स जो है वो लेकर आ जाता है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने कार क्लास बनाना भी सीखी और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भी सीखा। आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स की क्लास बना लें,
स्टूडेंट्स की क्लास बना लें, उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स लें, स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, पढ़ सकता है, फीस जमा कराता है, सारी चीज़ें। इसी तरह आप जो है ना, हमने कार की बनाई है, आप जो है वो मुख्तलिफ सिनारी सोच के एम्प्लॉई बना लें, एम्प्लॉई की क्लास बना लें, एम्प्लॉई की क्लास, एम्प्लॉई के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी आईडी होती है, उसका नाम होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है, ये बना लें एम्प्लॉई के साथ, फिर उसके फंक्शंस बना लें, एम्प्लॉई क्या क्या काम कर सकता है। तो इस तरह आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस जो हैं वो फॉर्म करनी है। अगली चीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं, क्लास हमने बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस भी किया, फंक्शंस को भी एक्सेस किया, अब हम पढ़ने लगे हैं चेंजिंग एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू, कि किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर चेंज करना हो तो हम किस तरह करेंगे। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सबसे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे, कार वन एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल कार वन की मेक मुझे चेंज करनी है, कार वन मेक, अभी हमारे पास क्या आ रही है, यामा। मैं क्या करता हूँ, कार वन डॉट मेक, मैं इसको वापस कर देता हूँ होंडा। अब मैं कार वन डॉट मेक करूँगा तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, कार टू डॉट मेक करूं, इसकी मेक में मैंने कार टू की मेक में मैंने डाल दिया, फॉर एग्जांपल यामाहा। अब कार टू की मेक मैं गेट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यामाहा। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर उसकी एट्रीब्यूट को कॉल करके उसमें नई वैल्यू असाइन करें तो वह एट्रीब्यूट जो है वो अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो इस तरह हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप एट्रीब्यूट जो है वो ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी में जाकर एक्सेस हो जाएगा। क्या हम कार के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हमने बनाए थे जो मैंडेटरी थे, इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट शामिल कर सकते हैं जो मैंडेटरी ना हो? जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट बनाते हैं बैटरी का, और बैटरी हमने कह दी भी 200 एम्पियर, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये जो एट्रीब्यूट है ये इसका डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट कहलाएगा, क्योंकि ये इनिशियलाइजर के थ्रू नहीं आ रहा है, इसके अंदर एक वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी कि कार की ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के हवाले से हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार की क्लास में एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ के डिस्क्राइब बैटरी सेल्फ, हमने यहाँ लिखा प्रिंट फंक्शन द बैटरी ऑफ कार इज सेल्फ डॉट बैटरी, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बैटरी को गेट कर सकते हैं, कार वन डॉट बैटरी, ये एट्रीब्यूट किया, कार टू के लिए किया, कार टू डॉट बैटरी, सबके लिए एक ही वैल्यू 200 एम्पेयर वहां पर लिखी। मैं कार वन के लिए अपडेट करना चाहता हूँ कार वन डॉट बैटरी, कार वन की बैटरी जो है वो ज्यादा है,
तो मैंने कहा जी कार वन की बैटरी जो है वो 300 एम्पियर है, स्ट्रिंग बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपडेट हो गई, कार वन डॉट बैटरी गेट की, तो ये अपडेट हो गई, जबकि कार टू डॉट बैटरी अभी पुरानी वाली आ रही है। तो इस तरह हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेंज है ये डायरेक्ट हिट है, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो बैटरी के वेरिएबल को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं चेंज करने के लिए भी और एक्सेस करने के लिए। ये जो है ज़रा मुनासिब तरीका नहीं होता। इसके लिए हमें अगर कोई काम करवाना है क्लास के अंदर, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसके लिए जो है वो फंक्शंस डिफाइन करें कि वो फंक्शन वो काम करते हों। तो अब ये काम फंक्शन में कैसे करना चाहिए हमें, अब हम यहाँ क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं कि अगर मुझे बैटरी पता करनी है कि बैटरी का साइज़ क्या है, या बैटरी का साइज़ अपडेट करना है, या बैटरी अपडेट करनी है, तो क्या करूँगा। डेफिनेशन मैंने कहा यहाँ पर सेट बैटरी साइज, सेट बैटरी साइज सेल्फ इसके अंदर होगा। जब बैटरी साइज सेट करवाना है तो ज़ाहिर है नया बैटरी साइज भी चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया न्यू साइज। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास वेरिएबल है सेल्फ डॉट बैटरी, इसके अंदर आप क्या करेंगे, न्यू साइज ऑफ बैटरी जो है वो हमने इसके अंदर असाइन करा, ये नया साइज बैटरी का आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बैटरी का साइज गेट करना है, तो हमें गेट का फंक्शन बनाते हैं, गेट बैटरी साइज सेल्फ, क्योंकि गेट कर रहे हैं तो यहाँ नया वेरिएबल कोई डालने की पैरामीटर डालने की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ बैटरी का साइज जो है वो रिटर्न कर देगा। प्रिंट मैंने यहाँ लिखा द साइज ऑफ योर कार्स बैटरी इज सेल्फ डॉट बैटरी। ठीक है, ये आपने अब बैटरी के लिए जो है वो दोनों अलग अलग फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिए हैं, जो क्या करते हैं बैटरी का साइज सेट भी कर देते हैं और बता भी देते हैं क्या बैटरी का साइज। तो डायरेक्ट हिट नहीं करना, हमने अपने वेरिएबल को डायरेक्ट, अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हिट नहीं करना। अब यहाँ पर अगर मुझे बैटरी साइज कार वन का चाहिए, कार वन डॉट, तो मैं गेट बैटरी का फंक्शन कॉल करूँगा, गेट बैटरी का फंक्शन हम कॉल करेंगे, इस सेल्स को रन कर देते हैं, गेट बैटरी साइज, तो ये रिटर्न कर दिया साइज ऑफ योर कार्स बैटरी 300 एम्पीयर, ये कार वन की है। इस तरह कार टू के लिए गेट बैटरी साइज, फंक्शंस के ब्रैकेट लगाने हैं लाजमी, कार टू के लिए बैटरी है। अब मैं चाहता हूँ कार टू की बैटरी जो है वो अपडेट हो जाए, कार टू डॉट, तो मैं क्या करूँ, नया सेट, सेट का फंक्शन कॉल करूँगा, सेट बैटरी साइज, ये हमसे क्या मांगता है, ये हमसे मांगता है सेल्फ सेट बैटरी साइज, ये फंक्शन मांगता है एक नया साइज, तो इसको मैं यहाँ से नया साइज भेजूंगा। हमने यहाँ पर नया साइज भेजा, फॉर एग्जाम्पल 500 एम्पियर, स्ट्रिंग बना के भेजता हूँ। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, अब कार टू डॉट, अब गेट करता हूँ, गेट बैटरी, ये है कार टू डॉट गेट बैटरी साइज, और ये आपके पास अब अपडेट हो गया, 500 भेजा था वहाँ पर, 500 जो है वो अपडेट हो गया। तो ये जो है चेंजिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, इधर मैं इजाफा कर दूँ कि पहले क्या किया हमने, एट्रीब्यूट वैल्यू में यहाँ एक सेल ऐड कराता हूँ, दो तरह से एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट हिट द एट्रीब्यूट, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम एट्रीब्यूट चेंज करें
वाया फंक्शन, फंक्शन जिसको हम कहते हैं गेट सेट फंक्शन, जो गेट सेट का फंक्शन हो उसके थ्रू करें। तो पहला हमने काम ये किया था, दूसरा हमने फंक्शन के थ्रू यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर दिया। हम यहाँ कह सकते हैं चेंजिंग एट्रीब्यूट्स वैल्यू वाया फंक्शंस, ये दूसरा तरीका था जो हमने किया कि फंक्शन वहाँ बना लिए और उसके थ्रू जो है वो बैटरी जो है वो उसका साइज़ जो है वो अपडेट कर दिया। आज का हमारा टॉपिक है डेटा फाइल्स। हमने अब तक पाइथन का जितना भी कोड किया, हमने उसके अंदर लिस्ट क्रिएट की, डिक्शनरीज क्रिएट की, वेरिएबल्स क्रिएट किए, लूप्स चलाए, रेंज के थ्रू नंबर्स जनरेट किए, व्हाइल लूप के ऊपर काम किया, ये जितनी भी वैल्यूज़ जनरेट हो रही थी ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रोग्राम बंद होने के बाद सब ख़त्म हो जाती हैं। जो जो नंबर, जो वेरिएबल जो जनरेट हुए हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते। हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, वो जाके सेव हो जाता है, रीओपन करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती हैं। तो क्या हम पाइथन कोड में जनरेट होने वाली चीज़ों को परमानेंटली किसी डेटा फाइल के अंदर राइट करा सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए लेकिन वो डेटा फाइल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए? आज इस टॉपिक को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे सामने यही चीज़ें आएंगी कि हमने फाइल्स में डेटा लिखना कैसे है, फाइल्स में से डेटा रीड कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फाइल में, कोड के अलावा किसी फाइल में, कोड के थ्रू डेटा किस तरह राइट कराया जाता है। तो इसके लिए आपके पास हम देख रहे हैं कि फंक्शन है विद ओपन। ये विद ओपन का फंक्शन आपसे टू पैरामीटर्स लेता है, एक फाइल का नाम और दूसरा मूड। मूड ये डिसाइड करता है कि जो फाइल आप, जिस फाइल का नाम आपने दिया है, जिसको एक्सेस कर रहे हैं, ये फाइल आप रीड करने के लिए एक्सेस कर रहे हैं, इसमें से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, या इस फाइल के अंदर डाटा राइट करवाना चाह रहे हैं, ये चीज़ डिसाइड होती है दूसरे पैरामीटर मूड के अंदर। उसके बाद अब मूड हमारे पास हैं कितने, तीन मूड हैं हमारे पास, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन बेसिकली तीन मूड हैं, रीड मूड, राइट मूड और अपेंड मूड। हम फर्दर हर मूड को इम्प्लीमेंट करके चेक भी करेंगे। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, यानी पहला मूड डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमने फाइल के अंदर राइट कराना है। विद ओपन के पैरामीटर्स के अंदर आप पास करेंगे फाइल का नाम, जो टेक्स्ट फाइल है या व्हाटएवर जो भी फाइल है, अभी हमने टेक्स्ट फाइल ली है, और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो है मूड का, जहां हमने लिखा है डब्लू। डब्लू इज़ अ राइटिंग मूड आगे लिखा हुआ एज फाइल। एज फाइल का मतलब क्या है, जब ये फंक्शन चलता है ये आपको एक हैंडलर रिटर्न करता है जिसका नाम नहीं होता, जिसका नाम नहीं है तो हम उसको एज करके, एलियस सेट करके उसका नाम जो है वो फाइल के तौर पर रख लेते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उस हैंडलर के थ्रू हमने क्या किया, फाइल डॉट राइट का फंक्शन किया और जो कुछ राइट कराना है वो इसके अंदर पास कर दिया। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जाकर जो है वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। अहम बात ये है, अगर राइट मूड के अंदर ये फाइल आप जिसको एक्सेस कर रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्रिएट नहीं की है आपने अपने रूट फोल्डर में या किसी भी पाथ के ऊपर, फाइल नहीं है और आप राइट मूड में आके जो है ना फाइल के अंदर लिखवाते हैं, फाइल नहीं है तो राइट मूड फाइल क्रिएट करके उसके अंदर लिख देता है। फाइल अगर नहीं बनी होगी तो राइट मूड में खुद ब खुद क्रिएट भी हो जाएगी और उसके अंदर लिख भी दिया जाएगा। फाइल राइट मूड हमने देखा, परफॉर्म करके देखा कि किस तरह काम कर रहा था। अब है रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, कि मैं टेक्स्ट फाइल में से डाटा रीड कैसे करूँगा। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही काम है विद ओपन का फंक्शन, जिस फाइल में से डाटा रीड कराना है उस फाइल का नाम पास किया ओपन को, कॉमा लगा के आपने मूड पास किया रीड मूड, क्योंकि हम डाटा को रीड कराना चाह रहे हैं।
आगे हमने उसका हैंडलर यूज किया एज फाइल, अब रीड कराने के लिए फाइल डॉट रीड का फंक्शन कॉल किया। ये रीड का फंक्शन जाएगा फाइल के अंदर सारा टेक्स्ट रीड करके लाएगा। अभी सारा टेक्स्ट जो रीड करके ला रहा है आप इसको एज इट इज प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको किसी वेरिएबल में सेव कराया जिसका नाम रहा कंटेंट्स ऑफ फाइल। फाइल के जो कंटेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे इस वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हमने फिर बाद में प्रिंट करा लिया। तो आपकी स्क्रीन पर आप सारा का सारा आउटपुट जो है वो देख सकेंगे जो कि फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा। तीसरा मूड फाइल में काम करने का वो है अपेंड मूड। अपेंड मूड क्या करता है इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि राइट मूड और रीड मूड में क्या होता है। हमने ये देखा कि राइट मूड फाइल क्रिएट करता है, राइट कर देता है। जब ये फाइल क्रिएट, जब हमने ओपन का फंक्शन चलाते हैं तो ओपन बेसिकली फाइल को ओपन कर देता है, और मूड देखकर राइटिंग मूड है तो डेटा उसके अंदर सेंड होगा, स्ट्रीम्स जो है वो डेटा की सेंड कराएगी। अच्छा, जब आप इस फंक्शन के इंडेंट से बाहर निकलते हैं देखिए फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद अगर मैंने दोबारा इसको विद ओपन से ओपन करने की कोशिश की और उसमें राइट कराया तो जितना प्रीवियस डेटा था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर मैंने दोबारा ओपन कराई उसको, एक बार फाइल क्लोज होने के बाद इंडेंट से बाहर निकलने के बाद दोबारा विद ओपन कराया, फाइल क्लोज हो गई और दोबारा ओपन हुई तो प्रीवियस डेटा जो है वो सारा ओवरराइट हो जाएगा। तो अगर इससे बचना है, मुझे दोबारा विद ओपन का फंक्शन कॉल करना है और उसी फाइल के अंदर राइट कराना है तो हम अपेंड मूड में राइट करवाएंगे। जब मैं यहाँ पर अपेंड के लिए मूड में ए पास करूँगा तो वो जो प्रीवियस डेटा लिखा हुआ होगा फाइल के अंदर उसके बिल्कुल आगे से डेटा लिखना शुरू कर देगा। तो इस तरह आपका जो डेटा है वो प्रीवियस रिटेन रहेगा और नया डेटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये अपेंड मूड के अंदर होता है, लेकिन अपेंड मूड के अंदर फाइल क्रिएट नहीं होती, पहले से क्रिएटेड फाइल के अंदर ही अपेंड मूड चलेगा। तीन बेसिक मूड हैं, इन्हीं के दो वर्जन्स और हैं। एक डब्ल्यू प्लस मूड कहलाता है। ये डब्ल्यू प्लस मूड जो है वो रीड राइट भी करता है, डब्ल्यू फॉर राइट हमने देखा ये, और ये रीड भी करता है। तो डब्ल्यू प्लस मूड में आप रीड का फंक्शन भी लिख सकते हैं और राइट का फंक्शन भी लिखा जा सकता है। राइट मूड के बाद रीड मूड का भी एक और वेरिएंट है, एक और वर्जन है जो आर प्लस मूड है। आर प्लस मूड के अंदर भी आप फाइल के अंदर रीड और राइट दोनों करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आता है कि अगर W मूड में आप फाइल पे काम करने जा रहे हैं तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन R प्लस मूड के अंदर फाइल अगर नहीं है तो ये क्रिएट नहीं होगी और एक्सेप्शन शो होगी, फाइल नॉट फाउंड का एरर जो है वो आएगा। R में भी और R प्लस में भी, दोनों में फाइल का पहले से क्रिएट होना लाजमी है। डेटा फाइल्स, जैसा कि अभी हमने डेटा फाइल्स के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह हम पाइथन के कोड्स के थ्रू हम परमानेंटली किसी फाइल के अंदर अपना डेटा लिखवा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, राइट। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद ओपन करके आप जो है फंक्शन इस्तेमाल करेंगे विद ओपन का। विद ओपन का फंक्शन हमसे दो पैरामीटर लेता है, एक आपके पास फाइल नेम और दूसरा आपके पास मूड कि किस मूड में फाइल जो है वो ओपन की जा रही है। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये फाइल हम अपने होम मूड में क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल। इस टेक्स्ट फाइल का नाम रख देते हैं .txt। इसके अंदर मैंने लिख लिया दिस इज अ टेस्ट फाइल,
वी विल रीड द फाइल फ्रॉम पाइथन कोड. इसको मैंने सेव कर दिया. तो इस फाइल का नाम टेस्टिंग डेटा फाइल है. कॉपी किया मैंने इसके नाम को और डेटा फाइल में स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा और इसका मोड है रीड. जब ये फंक्शन लिखेंगे एज करके, ये एज एलियस है, ये ओपन का फंक्शन एक हैंडलर रिटर्न करता है. उस हैंडलर का नाम कोई नहीं होता, तो वो नाम हम खुद सजेस्ट करते हैं कि उसका नाम फाइल रख दिया जाए या खाली एफ रख दिया जाए या कुछ भी रख दिया जाए जो आप इस हैंडलर का नाम रखना चाहें. अब इस हैंडलर के थ्रू हम मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसा कि हमने कहा रीड फाइल डॉट रीड, ये हमने रीड कराया. अब रीड करने के बाद जितना भी कंटेंट होगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहूँ, राइट. फिर इस कंटेंट को मैं बाद में प्रिंट करा सकता हूँ लाइक दिस. ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये इस फाइल के अंदर गया, इसको रीड किया, सारा कंटेंट उठा के उसने कंटेंट में रखा और हमने उस कंटेंट को जब प्रिंट कराया तो उस फाइल में जो कुछ लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पाइथन कोड में अवेलेबल हो गया. ठीक है, हमने विद ओपन का काम फंक्शन से हमने रीड कराया. हम क्या करते हैं, मूड्स मैं आपको फिर बता दूँ कौन कौन से हैं. ठीक है, रीडिंग मूड है, राइटिंग मूड है, अपेंड मूड है. ये तीन जो मूड्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे फाइल में काम करने के लिए. जो हमने देखे अभी, हमने रीड मूड कर लिया. ये ओपन जब हमने इस्तेमाल किया है, ये फाइल को ओपन करता है, ओपन करने के बाद रीड करता है और फाइल जब आप इसकी इंडेंट से बाहर निकलते हैं लाइक दिस, आप इंडेंट से ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये समझ जाएगा फाइल जो है वो अब काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये खुद ब खुद इसको क्लोज कर देता है. तो अब अगर मुझे दोबारा कुछ काम करना है तो मुझे दोबारा से फाइल ओपन करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं विद ओपन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. मैं इसके अंदर सेम फाइल के अंदर क्या करता हूँ, अब की दफ़ा मैं इस फाइल को रीड के बजाय राइट के मूड से ओपन करता हूँ. एज फाइल अब फाइल डॉट राइट. अब हमने इसको राइट कराया, राइट जो भी कराना है मैं राइट कराने गया. अच्छा, क्योंकि राइट करा रहा हूं तो कुछ रिटर्न तो आएगा नहीं, तो बस इतना ही काफी. ये सेल मैंने एग्जीक्यूट किया, ये कहता है फाइल डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड. ये हमेशा मूड जो है वो स्ट्रिंग होगा. ये मैंने राइट करा दिया. अब फाइल के अंदर जाके चेक करता हूँ कि क्या चेंजेस आई हैं. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रीवियस जितना भी डेटा था वो राइट करने की वजह से सारा का सारा डेटा जो है वो ओवरराइट हो गया. तो राइट मूड से जब भी फाइल के अंदर लिखेंगे जितना भी प्रीवियस डेटा होगा वो ओवरराइट हो जाता है, अवेलेबल नहीं होगा, सब ओवरराइट हो जाएगा. लाइक मैं अगर दोबारा से इस फाइल को ओपन करूं और
राइट मूड में ओपन करूं वंस अगेन, तो हम क्या देखते हैं, दोबारा से राइट करूं एफ डॉट राइट, दिस इज टेस्टिंग, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब जाके दोबारा में चेक करूं टेस्टिंग में, तो ये प्रीवियस जो लाइन लिखी हुई थी वो ओवरराइड हो गई, नई लाइन जो है वो इसके अंदर शामिल हो गई। तो राइट मूड में ये होगा। अब एक चीज और है, विद ओपन एक फाइल मैं ऐसी लिख रहा हूं जो एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल नॉन एग्जिस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, ये एक फाइल है और मैं इसमें से अगर रीड कराना चाहूं तो क्या होगा, फाइल डॉट रीड। अब मैं इसको रीड किया तो आपके पास क्या एरर आ गया, इस पर कि ऐसी कोई फाइल आपकी रूट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती जिसको ये रीड कर सके। तो अगर कोई फाइल नहीं होगी तो फाइल नॉट फाउंड का ये एरर आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है, अगर इसको मैं डब्ल्यू मूड कर दूं, यही काम मैं करता हूं, लेकिन इस वक्त जो मूड है वो डब्ल्यू मूड है, फाइल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डब्ल्यू मूड के अंदर मैं इसको फाइल डॉट राइट कराता हूँ और राइट के अंदर मैं यहाँ टाइप करता हूँ दिस फाइल डजंस एग्जिस्ट। अच्छा जी, अब जब डब्ल्यू मूड में मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कोई एरर नहीं आया। रीड मूड में वो कह रहा था फाइल नहीं है, डब्ल्यू मूड में कह रहा है कि यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि डब्ल्यू मूड में अगर फाइल ना हो, ए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, डब्ल्यू मूड विल क्रिएट एंड राइट इन इट। ठीक, तो इस वजह से मैं यहाँ चेक करूँगा नॉन एग्जिस्टिंग फाइल मुझे नज़र आएगी, तो नॉन एग्जिस्ट फाइल इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर लिखा हुआ आ गया। तो याद रहेगी ये बात कि डब्ल्यू मूड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर लिख दिया जाएगा, लेकिन आर मूड के अंदर फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर एरर आएगा। तीसरा हमारे पास मूड है विद ओपन, ये मूड कहलाता है अपेंड मूड। कि मैं इस फाइल को ले लेता हूं, और यहां पर जो मूड देता हूं ए मूड देता हूं, ए मूड में दिस टेक्स्ट इज रिटन अपेंड मूड, ये टेक्स्ट जो है वो अपेंड मूड में लिखा गया। अच्छा, अपेंड मूड में एग्जीक्यूट पहले करता हूं, ये क्या करता है कि ये एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर लिखता है, राइट मूड भी लिख रहा था लेकिन राइट मूड प्रीवियस काम को ओवरराइड कर दे रहा था, अपेंड मूड प्रीवियस काम को ओवरराइड नहीं करेगा, उसके आगे से लिख देगा लाइक दिस। ये अपेंड मूड में लिखा मैंने और ये पिछले काम ओवरराइड नहीं हुआ बल्कि उसके आगे से उसने रीड करना शुरू कर दिया। तो ये तीन मूड है हमारे पास फाइल के अंदर लिखने के,
पहला मूड जो है वो रीडिंग मूड है, जिसमें हम फाइल रीड कर सकते हैं। राइटिंग मूड है, और राइटिंग मूड में हमने देखा कि राइटिंग मूड के अंदर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने क्रिएट कर दी। तीसरा मूड आपके पास है अपेंड का। अपेंड मूड ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसके अंदर डाटा आगे से लिखना शुरू कर दिया। आर प्लस मूड एंड डब्ल्यू प्लस मूड, ये दोनों का मॉडिफाइड वर्जन है। आर प्लस मूड एंड डब्ल्यू प्लस मूड, इनको अप्लाई करते विद ओपन फाइल नेम। हम कोई सी फाइल ले लेते हैं, बल्कि ये पूरा ही ले ले, विद ओपन एक फाइल हमने ली, और इस फाइल कोई नई फाइल ले लेते हैं, माई न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। और डब्ल्यू प्लस मूड, डब्ल्यू प्लस मूड सर हमने कहा रीड मूड के अंदर तो फाइल क्रिएट नहीं होती, डब्ल्यू मूड के अंदर फाइल क्रिएट भी हो जाती है, लेकिन डब्ल्यू मूड के अंदर आप फाइल रीड नहीं करा सकते। डब्ल्यू प्लस मूड के अंदर आप फाइल रीड भी करा सकते हैं और राइट भी करा सकते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट इसके अंदर लिखवाया, अब मैं इसके अंदर फाइल डॉट रीड भी लगा सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। जबकि मैं इसको यहाँ दोबारा समझाऊँ कि अगर इस कोड के अंदर मैं फाइल डॉट रीड करना चाहूँ तो वो एरर जनरेट करता है कि ये फाइल रीडेबल नहीं है, क्योंकि ये डब्ल्यू मूड के अंदर खुली हुई है, राइट। तो डब्ल्यू मूड के अंदर आप रीड नहीं कर सकते, और रीड मूड के अंदर आप राइट नहीं कर सकते। लाइक दिस, ये मेरे पास रीड मूड है, इसके अंदर अगर मैं ये रीड मूड है, इसके अंदर अगर मैं राइट कराना चाहूँ फाइल डॉट राइट, तो ये आपके पास क्या कहता है, नॉट राइटेबल, कि ये रीड मूड में खुली है, ये राइटेबल नहीं है। तो अब डब्ल्यू प्लस मूड और आर प्लस मूड, ये दोनों मूड जो हैं वो आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप फाइल को रीड भी कर सकें और राइट भी कर सकें। अब रीड करा के मैंने इसको प्रिंट करा देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं इसको राइट कराऊंगा इस फाइल के अंदर, कोई एरर नहीं आया, ये फाइल मौजूद नहीं थी, लेकिन W की वजह से ये फाइल क्रिएट भी हो गई और इसने रीड भी किया। लेकिन जब मैंने इसको राइट कराया है, राइट तो वहाँ हो गया, चेक करते हैं हम माई न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, दिस इज़ द फाइल, इसके अंदर राइट हो गया, माई न्यू फाइल द फाइल डजंट एग्जिस्ट, ओके, ये हमने टेक्स्ट लिखा था इसके अंदर। लेकिन जब इसको रीड करा रहा हूँ तो रीड में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब न्यू फाइल में गया, उसने रीड करना शुरू किया, यहाँ से आया रीड करता हुआ और यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ तक पहुँचने के बाद तो यहाँ से फाइल उसने रीड करना शुरू करी, और करते 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 ये अभी फाइल में यहाँ पर आ गया। ये काम उसने किया यहाँ तक का, राइट करने के बाद वो यहाँ आ गया। जब राइट करने के बाद उसे रीड करने के लिए कहा, तो इस फाइल के अंदर वो इसी के आगे से रीड करना शुरू करेगा, और आगे कोई कंटेंट मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रीड में कुछ भी नहीं आ रहा। तो प्रिंट आप कराने पर भी जो है वो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, तो फिर कैसे रीड किया जाएगा राइट कराते हुए? तो आप लिख सकते हैं, एक फंक्शन है फाइल डॉट सीक, सीक में आप उसे कहते हैं ज़ीरो इंडेक्स। अब ये जब चलेगा यहाँ से तो वापस कहाँ चला जाएगा, ज़ीरो पे, और फिर रीड करेगा तो यहाँ रीड कर लेगा। तो ये यहाँ तक राइट करने के बाद जब ज़ीरो करूँगा तो ये वापस ज़ीरो इंडेक्स पे खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से रीड करना शुरू कर देगा। अब ये आपके पास डिस्प्ले जो है वो उसके अंदर आ जाएगा फाइल डॉट सीक के अंदर। दूसरा मूड हमारे पास है
रीड रीड प्लस मूड यानी आर प्लस मूड। आर प्लस मूड के अंदर क्या होता है, मैं इसको आर प्लस मूड कह दूँ। अभी मैंने फाइल राइट करवाऊंगा, ये राइट हो जाएगी, कोई एरर नहीं देगा क्योंकि ये दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, रीड और राइट दोनों की। मैं इसके अंदर एक लाइन और दो तीन लाइंस और करवा दूँ तो ये सिलसिला जो है वो रीड हो जाएगा। माई न्यू फाइल के अंदर ये बहुत सारी दफ़ा उसने लिख दिया। अब मैं इसको रीड कराता हूँ, फाइल डॉट रीड, और प्रिंट करा देता हूँ जो भी कुछ प्रिंट कराना है। अभी भी आउटपुट भी कुछ नहीं आया, उसकी वजह वही है कि वो राइट करता करता एंड तक चला गया है। फाइल डॉट सीक करूँ, ज़ीरो किया तो ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और ये पूरा रीड करके ले आएगा। तो रीड भी और राइट भी दोनों काम कर रहा है, लेकिन बस एक ख्याल रखना है कि रीड करते वक्त वो फाइल क्रिएट नहीं करेगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल फाइल टू में कह रहा हूँ कि राइट करो और फाइल टू एग्जिस्ट नहीं करती, तो रीड मूड में ये एरर आएगा कि नो फाइल नॉट फाउंड। सिर्फ राइट मूड में ये ऑप्शन है कि वो क्रिएट कर सकता है, रीड मूड में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो खुद फाइल भी क्रिएट कर दे। चाहे आर प्लस हो चाहे आर मूड हो, दोनों में फाइल क्रिएट नहीं होगी, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस दोनों में फाइल क्रिएट हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स, तो पहले डिस्कस करते हैं मॉड्यूल्स क्या है, फिर डिस्कस करेंगे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मॉड्यूल्स या मॉड्यूल जो है वो सिर्फ एक पाइथन की फाइल है जिसका एक्सटेंशन भी डॉट पाई होगा। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या रखते हैं, हम जब फंक्शंस बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर, एक दो तीन या पचासियों फंक्शंस आप क्रिएट कर देते हैं उस क्लास से मुतालिक, क्लास का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लंबा हो जाता है, बड़ा कोड हो जाता है, थोड़ा सा ग्रां गुजर रहा होता है क्लास के कोड को समझने में कि ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन, और वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहे तो इस्तेमाल तब होंगे जब वो उनको कॉल किया जाएगा, तो साइलेंट पड़े हुए। तो इनको साइलेंट जो फंक्शन है अभी रखे हुए, इनको उठा के अगर एक पाइथन की फाइल के अंदर रख दिया जाए तो ये सारे फंक्शन एक साइड में हो जाएंगे और अवेलेबल भी हो जाएंगे आराम से। जिस तरह हमने मॉड्यूल बनाएंगे, हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सारे फंक्शंस रखेंगे और उनको जो है वो अपनी क्लास के अंदर इम्पोर्ट करा लेंगे। तो मॉड्यूल को अपनी क्लास में यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और मॉड्यूल जो है वो आपके पास कॉल हो जाएगा, उसके अंदर मौजूद सारे फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। इससे क्लास हमारी बड़ी सिंपल सादा सी हो जाएगी, हमें जो फंक्शन चाहिए होगा हम उसको यहाँ पर कॉल कर सकेंगे, हमें यहाँ क्लास में वो फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉड्यूल जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें किस किस्म की फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूल क्या काम करते हैं, अब मॉड्यूल बनाना सीखते हैं। मॉड्यूल बनाने के लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, जिस तरह से हम पाइथन की फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम अपने सारे फंक्शंस और सारी चीज़ें जो है वो रख देंगे, उनको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रख देता हूँ maths.py। फाइल बन गई, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस रख देता हूँ, ऐड, ये ऐड क्या करेगा जी, ये ऐड जो है वो रिटर्न करेगा जो भी इसको वैल्यूज पास की जाएंगी वो वैल्यूज का सम करके रिटर्न कर देगा। और फंक्शन बनाते हैं, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, और फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई, ये दो नंबर्स लेगा, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये तीन फंक्शन बनाए, इसको हमने सेव कर दिया। हमारी ये फाइल मॉड्यूल्स के नाम से हम सेव करते हैं,
मॉड्यूल्स। इस मॉड्यूल को कंपाइल करते हैं परसेंटेज लोड मैथ्स डॉट पाई, ये यहाँ पर है, ये हमारा मॉड्यूल है, डॉट पाई की फाइल है जुपिटर। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट मैथ्स एज एम, इंपोर्ट हो गई। एम के अंदर हमने कितने फंक्शंस बनाए हुए, एम डॉट एड मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, ने कहा जी एम डॉट एड दो वैल्यूज ले गए, रिटर्न कर दिया। एम डॉट सब्ट्रैक्ट दो वैल्यूज ले गए, रिटर्न रिजल्ट। एम डॉट मल्टीप्लाई, रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हम अपना मॉड्यूल बनाते हैं। जिस तरह हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर पाइथन कोड के थ्रू डाटा राइट करवाया, टेक्स्ट फाइल के अलावा सीएसवी फाइल्स के अंदर भी हम डाटा राइट्स करा देते हैं। ये सीएसवी फाइल क्या होती है, ये सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये इसमें हर वैल्यू का सेपरेटर जो होता है वो कॉमा होता है, एक वैल्यू के बाद कॉमा लगेगा, दूसरी वैल्यू के बाद कॉमा लगेगा, इस तरह के वैल्यूज आपस में सेपरेट होती हैं। सीएसवी फाइल्स के अंदर भी हमें राइट करवाना है, जिस तरह हमने टेक्स्ट फाइल में राइट कराया था, रीड कराया था, राइट कराया था, अपेंड कराया था, ये तीनों काम हम सीएसवी फाइल के अंदर कर देते हैं। सीएसवी फाइल बनती कैसे, क्रिएट कैसे होती है, एक्सेल की जो शीट होती है हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स के अंदर, उस एक्सेल की शीट को हम एज सीएसवी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है, जो एक्सेल के रॉज एंड कॉलम्स हैं, वो सारे सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमा सेपरेटेड बन जाती हैं। हम सीएसवी फाइल किस तरह दिखती है, अब ये जिस तरह एक्सेल का आपके पास एक कॉलम है ईयर इवेंट और विनर, और उसके तीनों कॉलम्स के अंदर हर रॉ के अंदर ये रिकॉर्ड्स हमने एक्सेल के अंदर रखे होते हैं, लेकिन जब ये सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है तो आपके पास ईयर में 95, 99, 2006 इवेंट, बेस्केपलॉन, गब्सटन, वर्ल्ड कप और विनर में ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। कि एक्सेल से जो है वो इंपोर्ट किया हुआ डाटा है जो कि सीएसवी फॉर्मेट में हमें नज़र आ रहा है। हर रॉ जो है वो एक सेपरेट लाइन बनती है सीएसवी के अंदर, एक्सेल के अंदर जो रॉ है वो हर रॉ एक सेपरेट लाइन बनेगी सीएसवी फाइल के अंदर। क्या क्या हम काम कर सकते हैं, मैंने कहा हम रीड भी करा सकते हैं सीएसवी फाइल को पाइथन कोड के अंदर, पाइथन कोड के थ्रू हम सीएसवी फाइल को के अंदर राइट भी करा सकते हैं और अपेंड भी करा सकते हैं एग्जिस्टिंग सीएसवी फाइल को। जरा हमें ये टेक्स्ट कोड दिख रहा है कि हम रीड कैसे कराना है, विद ओपन, हमने पुराना फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, कम्पिटिशन डॉट सी एस वी एक फाइल आपके पास बनी भी होगी, हम इसके अभी प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं तो हमें नज़र आएगा, हमने कम्पिटिशन डॉट सी एस वी की एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। हमने यहाँ पर जो एक पैरामीटर है रीड का या राइट का नहीं दिया है, जब नहीं देते तो हमें मालूम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रीड होता है, तो यहाँ हमने रीड नहीं लगाया, इसका मतलब ये रीड कर रहा है। रीड करने के बाद इसने हैंडलर एफ बनाया। अब सी एस वी का जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सी एस वी डॉट रीडर, ये सी एस वी डॉट रीडर क्योंकि रीड मूड में है इसलिए रीडर है, राइट मूड में होंगे तो राइटर होगा, इसको हमने ये हैंडलर प्रोवाइड कर दिया। अब ये सी एस वी डॉट रीडर इस हैंडलर के थ्रू उस फाइल को रीड करेगा और सारे जो डाटा होगा इन फाइल के अंदर वो सारा कंटेंट्स ऑफ द फाइल में आ जाएगा। जो भी कंटेंट सी एस वी फाइल में रिटर्न हुआ है सी एस वी रीडर के थ्रू, ये अभी अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे, तो ये यूजेबल फॉर्म में नहीं होगा, इसके अंदर से हमें लूप करके सारा डाटा कंटेंट्स में से लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और लिस्ट की शक्ल में, इस तरह यहाँ पर हमने किया के कंटेंट्स ऑफ एफ यहाँ पर आ गया, हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई पोर्टर कंपटीशंस। अब कंटेंट्स ऑफ एफ से एक एक लाइन उठकर ईच लाइन में फॉर लूप के थ्रू आ रही, वो लाइन हम अपेंड करते जा रहे हैं पोर्टर कंपटीशंस के अंदर, तो सारी लाइनें जब उठ के आ जाएंगी
ये सारी लाइन जो है वो पॉटर कंपटीशंस के अंदर शामिल लिस्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा के तौर पर शामिल हो जाएंगे। रीड तो हमने करा लिया सीएसवी फाइल के अंदर, राइट करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, हमने यहाँ पर W का ये पैरामीटर जो है वो दिया है, आर्ग्यूमेंट पास किया है। W क्या करता है? राइट करता है, ठीक है। और हम हर दफ़ा क्या कह रहे हैं, न्यू लाइन, ये न्यू लाइन क्या करता है? न्यू लाइन में हमने स्पेस जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली उसके आगे जो है वो डेटा को राइट करता चला जाएगा। अब डेटा हैंडलर F बनाया, सीएसवी डॉट राइट मूड में है तो राइटर, F हैंडलर दिया और राइट कराते हुए डेलीमीटर जो है वो कॉमा दिया। डेलीमीटर क्या चीज़ होती है? डेलीमीटर वो स्पेस कॉमा फुल स्टॉप डैश वो कोई भी चीज़ होती है जिससे दो वर्ड्स या दो डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो, सेपरेट समझे जाएं, कि सिस्टम उसको सेपरेट समझे। हमने डेटा हैंडलर डॉट राइट रॉ, राइट रॉ के फंक्शन से हमने पहली रॉ ऐड कराई डेटा में सीएसवी फाइल में, जिसमें ईयर इवेंट और विनर है। फिर हम मल्टीपल रॉज ऐड कराते जा रहे हैं, ये मल्टीपल रॉज हमने ऐड कराई, राइट रॉ करते गए और ये जाकर सीएसवी फाइल में ऐड हो जाएंगे। जब हम रीड करेंगे तो ये सीएसवी फॉर्मेट में हमें नज़र आएगा सारा डेटा। रीड हम कर सकते हैं और रीड के साथ साथ हम सीएसवी फाइल को अपेंड भी कर सकते हैं। हमने एक पैरामीटर पास किया, अब ये एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ये लाइन जो है वो सिंपली ऐड करता रहेगा। अच्छा, हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, कि हमने ये काम जो है वो फाइल रीड राइट में बहुत सारी दफ़ा करके देखा, रीड भी राइट भी। सिर्फ यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ फाइल के फॉर्मेट का फ़र्क है और डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा है उसका फ़र्क है। खाली टेक्स्ट नहीं भेज रहे हम लिस्ट की फॉर्म में डेटा जो है वो फाइल्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस तरह सीएसवी फाइल बनाते हैं और किस तरह जो है वो हम डेटा उसके अंदर से रीड करवाएंगे। तो हम सीएसवी फाइल जिस तरह हमने एग्जांपल में चेक किया, ये हमने एक सीएसवी फॉर्मेट में डेटा रखा, इस फाइल का नाम रख देते हैं हम abc.csv। ये csv फाइल हमने सेव की। अब हम अपनी मेन फाइल में आके इंपोर्ट csv, ये हमने इंपोर्ट कराया विद ओपन फाइल का नाम abc.csv। मैंने आपसे कहा कि रीड कराना है तो ज़रूरी नहीं कि ये आर्गुमेंट पास किया जाए, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, हम ये आर्गुमेंट ना यूज़ करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंटेंट्स क्या करना है, हमने csv डॉट रीडर, रीडर को हमने ये फाइल हैंडलर पास किया। अब जब मैं इसको फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इसको प्रिंट कराऊं, तो अभी हमने कहा था कि कंटेंट्स अभी यूजेबल फॉर्म में नहीं होंगे, ये आपको क्या शो कराएगा, कहता नेम कंटेंट्स की जगह अभी ये ऑब्जेक्ट शो करा रहा है। कंटेंट्स में से अगर डेटा उठाना है तो हमें उसके लिए फॉर लूप जो है वो लगाना पड़ेगा, फॉर कंटेंट इन कंटेंट्स। अब हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट कंटेंट, ये फाइल अभी हमने सेव करानी पड़ेगी, इस फाइल को सेव किया इंपोर्ट। अब ये सारा कंटेंट जो है हमारे पास उठ कर आ गया, ये हम देख रहे हैं सारी जो रॉज हैं वो लिस्ट की फॉर्म में शो हो रही हैं। तो इस तरह हम csv फाइल को रीड करा सकते हैं, राइट।
तो मैं इसको रीडिंग डाटा फ्रॉम अ सीएससी फाइल, राइट। अब रीडिंग तो हमने कराई डाटा सीएसवी फाइल में, राइट कैसे कराना है? अब मैंने वही काम किया विद ओपन फाइल का नाम। अगर एबीसी वाली फाइल में राइट कराऊंगा जो पहले से मौजूद है, तो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि ये फाइल का सारा डाटा जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट मोड में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट हो जाएगी। चेक करते हैं, हम एक्स वाई जी एक फाइल बनाते हैं डॉट सी एस वी, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। एक हमने कहा था न्यू लाइन का जो है वो हमने पास करना है यहाँ पे पैरामीटर एज फाइल, ये हमने किया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइल राइटर सी एस वी डॉट राइटर, ये राइटर में हमने ये हैंडलर पास कर दिया। अब फाइल राइटर डॉट यहां हमारे पास राइट रॉ, यहां मैं लिस्ट पास कर देता हूं। लिस्ट पास करते हुए मैंने क्या कहा कि सबसे पहला वैसे ही डेटा ले लेते हैं जैसा हमने दिया हुआ है 2019 कॉमा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 विनर इंग्लैंड। ये मैंने कोड रन किया नो सच फाइल, और इसके अंदर मैंने डब्ल्यू का पैरामीटर देना है। ये डब्ल्यू का पैरामीटर जो है वो राइट कराएगा। अब ये फाइल क्रिएट भी हुई होगी और उसमें जाकर राइट भी किया है, तो होम पर आके चेक करते हैं एक्स वाई जी फाइल जो है सी एस वी की क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। एक्स वाई डॉट सी एस वी इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर ये डाटा जो है वो सी एस वी फॉर्मेट में हमारे पास नज़र आ रहा है, राइट। इस तरह में मल्टीपल रॉस जो है वो इसके अंदर राइट करा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वही सारी चीज़ें, अगर मैं इस पूरे काम को दोबारा से राइट कराऊँ और डाटा यहाँ पर चेंज कर दूँ 2020, तो ये क्या होने जा रहा है, ये एग्जीक्यूट होगा। ये फाइल में दोबारा जाके चेक करता हूँ, अभी ओपन है, इसको मैंने बंद किया, दोबारा ओपन किया, ये पुराना वाला डेटा सारा ख़त्म हो गया, नया रह गया यानी ओवरराइट हो गया। अगर हमें ओवरराइट से बचना है तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अपेंडिंग आ सी एस वी फाइल। तो अब इसी फाइल के अंदर अगर मुझे डाटा अपेंड कराना है तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर अपेंड का कीवर्ड देना पड़ेगा, और अब मैं यहाँ पर मज़ीद डाटा जो है वो राइट रॉ के थ्रू डाल सकता हूँ। राइट रॉ 2021 2022 मैंने एग्जीक्यूट किया, एक्स वाई जी में दोबारा आया, इसको रिफ्रेश किया और ये रॉस जो है वो यहाँ पर अपेंड हो गई। तो इस तरह से हम टेक्स्ट के अलावा फाइल्स
सीएसवी फाइल की फॉर्मेट में यानी लिस्ट के फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो सीएसवी में ऐड करा सकते हैं। और रीड कर दिया हमने, राइट किया और अपेंड, तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करके इसके ऊपर चेक किए। सीएसवी फाइल में हमने डाटा को राइट कराया। हमारे पास एक और फाइल फॉर्मेट है जेसन। जेसन की फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें भी हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पहले जेसन को यहाँ पर। अब जेसन में भी वही सारे फंक्शंस हैं, राइट के, रीड के और अपेंड के। यहाँ पर फाइल जो सेव होगी या जो क्रिएट होगी वो डॉट जेसन के एक्सटेंशन के साथ होगी। जेसन के अंदर जब राइट कराना होता है तो यहाँ पर राइट के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है डंप का, जेसन डॉट डंप। और आपने जो चीज़ राइट करानी, अभी हम लिस्ट को राइट करवा रहे हैं, हमने लिस्ट का नाम यहाँ दे दिया, वेरिएबल पास कर दिया और हमने हैंडलर बता दिया। इससे क्या होगा, ये लिस्ट जेसन फॉर्मेट में जाके जेसन डॉट जेसन की फाइल में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये तो है जेसन फॉर्मेट में राइट कराने का तरीका। अगर हमें डिक्शनरी फॉर्मेट राइट कराना हो, आमतौर पे जो डेटा होता है जेसन फॉर्मेट में वो डिक्शनरी फॉर्मेट ही होता है जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। यहाँ पर हमने डिक्शनरी क्रिएट की भी, कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल उसी तरह चाहे लिस्ट हो या डिक्शनरी, जेसन डॉट डंप करके आपने उसको इसी तरह पास करना है हैंडलर के साथ डिक्शनरी का नाम, और ये जाके उस फाइल के अंदर जो है वो राइट हो जाएगा। तो राइट कराने के लिए क्या याद रखना है आपने, कि हम जेसन डॉट डंप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये दो पैरामीटर लेगा, जो चीज़ राइट करानी है और उसका हैंडलर। जेसन में डाटा राइट तो करा दिया, अब रीड कराने के लिए हमने क्या करना है, इस फाइल को अब हमने क्या करना है, जेसन डॉट लोड करना है। रीड करने के लिए लोड का फंक्शन होगा। लोड करने के लिए हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पर एक हैंडलर पास कर दिया, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जितना भी डाटा वहाँ होगा डिक्शनरी फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। उसके अंदर से मैं कोई की पास कर दूँ, कोई इंडेक्स पास कर दूँ, तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर गेट होकर आ सकती है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं जेसन में पहले राइट कराने का। राइटिंग डाटा टू जेसन फाइल्स, तो हमारे पास क्या करना है, हमने विद ओपन में आपने फाइल का नाम दिया जेसन फाइल डॉट जेसन। मैंने राइट करना है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन राइट मोड में ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। हमने क्या करना है, जेसन डॉट डम्प, यहाँ पर क्या राइट कराना है, हमने कहा लिस्ट राइट करानी है, वो लिस्ट पास कर देते हैं। और यहाँ पर इसके साथ हम फाइल हैंडलर दे देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इम्पोर्ट जेसन नहीं किया मैंने इसलिए एरर है, तो इम्पोर्ट जेसन। अब ये कोड चल गया। सिंपली क्या हुआ होगा, ये होम पे गया होगा, जेसन फाइल जो है वो इसने क्रिएट कर दी होगी, ये जेसन फाइल। इसको ओपन करते हैं, ये आपके पास डाटा यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जेसन फाइल में मैंने राइट कराया है, रीड कराने की कोशिश करता हूँ विद ओपन, फाइल नेम जेसन फाइल डॉट जेसन, और मैंने इसको किया रीड। रीड में अगर आर नहीं भी दूँ, हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रीड होता है। हमने क्या करना है, जेसन डॉट रीड करके कंटेंट जेसन डॉट क्या हमने करना है, लोड करना है।
लोड करते हुए हमने ये हैंडलर पास कर दिया, ये हो गया। अब कंटेंट को प्रिंट करते हैं, आपके पास ये कंटेंट जो है उस फाइल में से वापस निकल के आ गया। यहाँ पर भी वही काम है, अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर दोबारा से राइट कराऊंगा तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा जिस तरह फाइल्स में होता है आमतौर पे। एग्जिस्टिंग फाइल है, मैंने इसके अंदर जो है वो डेटा चेंज कर दिया, डंप करा दिया। अब जाता हूँ जेसेंट फाइल को, रीलोड करता हूँ, ओवरराइट हो गया, पुराना डेटा चला गया, नया आ गया। क्या इसमें भी अपेंड कर सकते हैं, दोबारा करके देखता हूँ। यहाँ पर अपेंड फॉर्मेट लगाया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, चल गया। अब जाके जैसन फाइल में दोबारा रीलोड किया, उसके आगे फाइल में अपेंड हो गया, राइट। अच्छा, अभी हमने एक लिस्ट पास की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने लिस्ट कर दिया। अब हम करते हैं राइटिंग डेटा डिक्शनरी फॉर्म में इन जेसन फाइल, राइट। तो डिक्शनरी लिखने के लिए एक अलग से डिक्शनरी बना लेते हैं। अलग से डिक्शनरी क्या हो सकती है, अलग से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। ये हमने डिक्शनरी बनी बनाई यूज कर ली है, इस डिक्शनरी को ज़रा मैं सीधा कर दूं अगर आपकी समझ में आने के लिए। तो ये किस फॉर्म में, ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये आपके पास डिक्शनरी है। आप डिक्शनरी राइट कराने के लिए सेम काम करना है विद ओपन जेसन डिक्शनरी डॉट जेसन, इसे फाइल सेव की, कॉमा, इसको राइट कराना है एस एफ हैंडलर दिया। क्या करना है जी, हमने हमने करना है जेसन डॉट डम्प। क्या डम्प कराना है, डिक्शनरी, ये डिक्शनरी का नाम है, ये नाम पास किया, डॉट हैंडलर का नाम, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। फाइल में जाकर चेक करते हैं, जेसन डिक के नाम से फाइल क्रिएट करी होगी उसने, जेसन डिक, इसको ओपन किया, डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक। ये फाइल आपकी जेसन फॉर्मेट में राइट कर ली गई, जेसन हमने यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्मेट में जेसन फाइल में राइट करा दिया। इसी तरह अब मैं इस फाइल को वापस रीड कर सकता हूँ। रीड करने के लिए सिर्फ आपने यहाँ पर रीड का पैरामीटर यूज़ किया, और यहाँ पर क्या करना है, कंटेंट और जेसन डॉट क्या होता है ये, लोड, लोड कर दें इस हैंडलर को, राइट, ठीक है। इसको मैंने रन किया, अब कंटेंट को प्रिंट करते हैं, आपके पास ये कंटेंट जो है वो रीड हो गया। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती है, एक्सेप्शंस रन टाइम एरर्स होती हैं, ये सिंटैक्स एरर्स नहीं होते जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइल या इंटरप्रेट करते हुए इनको पकड़ ले, बल्कि ये रन टाइम पे आते हैं। रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है, सिंटैक्स वाइज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रोग्राम चल रहा है और चलने के दौरान कोई यूज़र उसमें गलत वैल्यू डाल देता है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, गलत वैल्यू आ गई तो प्रोग्राम क्रैश हो गया। अब इसका ताल्लुक डेवलपर की गलती से नहीं है कि उसने सिंटैक्स गलत लिखा था, बल्कि यूज़र ने वैल्यू गलत जो है वो इंसर्ट की। तो यहाँ पर भी जो डेवलपर है उसको उस सिनारियो को भी जहन में रखना है कि अगर गलत वैल्यू आ जाए कोड क्रैश होने से कैसे बचाना है। तो ऐसे एरर्स जो रन टाइम पे आते हैं उन्हें रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस कहते हैं। अब पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं,
ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जो एरर्स को मैनेज करते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अराइज होते हैं। जब भी कोई एरर आता है तो पाइथन पता नहीं होता उसको कि प्रोग्राम को करना क्या, तो वो उसके नतीजे में एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता। अब ये जो एक्सेप्शन आ रही है, इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाए? एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए पाइथन में दो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। हर वो लाइन जहां एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है उसको ट्राई के ब्लॉक में रखते हैं और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है एक्सेप्ट का ब्लॉक का। एक्सेप्ट के ब्लॉक में हम क्या चीज़ रखते हैं? एक्सेप्ट के ब्लॉक में हम वो चीज़ रखते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ जाए तो प्रोग्राम ने क्या करना है। तो एक्सेप्ट के ब्लॉक में हम कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आ रही। तो आपने हर तरह की एक्सेप्शन के लिए अलग एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो लिखना है। अगर आप इससे बचना चाह रहे हैं तो आप एक जनरल एक्सेप्शन का ब्लॉक यूज़ कर लें जो कि सारे एक्स तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता हो। लास्ट चीज़ जो हमें एक्सेप्शंस में कवर कर दी है वो है फाइनली। फाइनली क्या चीज़ है कि अगर मैं वही कोड ले लूं और यहाँ एक ब्लॉक फाइनली का ऐड कर दूं, तो ये फाइनली ब्लॉक हर सूरत में रन होगा। फाइनली विल ऑलवेज रन, एक्सेप्शन आए या ना आए हर सूरत में फाइनली रन होना है। अगर मैं यहाँ एक ट्राई का ब्लॉक बनाऊं और उसके अंदर 5 ÷ 0 एक एक्सेप्शन जनरेट कराऊं, एक्सेप्ट कराऊं इसको, प्रिंट एक्सेप्शन कॉट, एल्स प्रिंट नो एक्सेप्शन, देन देयर इज अ ब्लॉक फाइनली। अच्छा, मैं क्या करता हूं कि एक ऐसी एक्सेप्शन जनरेट कराता हूं जो हमने कॉट नहीं की है। लाइक मैं यहां पर एक लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट, और यहां मैं कहता हूं कि ए का सेकंड थर्ड एलिमेंट ले आए। तो फाइनली प्रिंट फाइनली विल ऑलवेज रन। अब ये एक्सेप्शन आई, जब ये कोड चला तो ये एक्सेप्शन कॉट हो गई। अगर ये एक्सेप्शन नहीं आती, लाइक मैं इसको कर दूं 5 ÷ 5, अब कौन सी एक्सेप्शन आनी है? अब ये एक्सेप्शन अराइज होनी है, लेकिन ये मैंने कॉट नहीं की है तो कोड क्रैश होगा, राइट? मैंने यहां कह दिया एक्सेप्ट 0 ÷ 0। अब ये कोड क्रैश हुआ क्योंकि 0 ÷ 0 तो नहीं आया, लेकिन ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का। लेकिन इस एरर के बावजूद एक चीज़ ज़रूर रन हुई है, वो है फाइनली। तो अगर एरर आ भी जाए, एक्सेप्शन आ भी जाए, तब भी फाइनली रन होगा। एक्सेप्शन पकड़ ली जाए तब भी फाइनली रन होगा, ना पकड़ी जाए तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा।